राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को जन्मा जन्मा मोह दीजियो। श्री वृंदावनवा राधा तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या कीन, तीनों लोक के नाथ हैं, सोते रो आधी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, 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 जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, 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 जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन, यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन, यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन प्रजन रंजन, यशोदानंदन प्रजन रंजन, यमुना तीरवन चारी, यमुना तीरवन चारी,
तिरवन चारी जय राधा माधव कुंज बिहारी Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Krishna Hare Hare Hari Bol Hare Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare सभी लोग आइए सभी लोग प्रेम से भगवान का पवित्र नाम Krishna Hare दादा जी प्रभु जी सब लोग Hare Rama Hare Rama Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Rama
कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधा दामोदर राधे जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधा दामोदर राधे जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद 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 संकीर्तन की जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय आराध्यो भगवान ब्रजेश तनाया तद धाम वृंदावना राम्या काचिदुपासना ब्रजवधो ब्रगेनया कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाण ममालं प्रेमापुमेतो महान श्री चैतन्य महाप्रभु मतमिदं तत्रादरेन पर वंशी विभु शितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरा तरुणबिम वफलधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखा अरविंद नेत्रा कृष्णातरम किमपि तत्वहं न जानि जय जय श्री राधारमण जय जय नवलकिशोर जय गोपी चितचूर प्रभु जय जय माखनचूर कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये नमो मावदन्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरतुषे नमः पंस्त्वत्कं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतार
अवतारं भक्ताख्यं नमामि भक्ति शक्तिकं हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 हरे कृष्णा श्री राधा माधव की जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना मृत संघ की ओर से प्रतिस्थापित दामोदर लीला के इस चतुर्थ दिवस में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत करते हैं। परम सौभाग्य से विभूषित परम पवित्र तिथि कृष्ण भक्ति प्रदायिनी माधव तिथि एकादशी देव उत्थान एकादशी तिथि हम सब बैठ करके यह कथा का श्रवण कर रहे हैं। आज के दिन हमारे भगवान जगते हैं, शयन एकादशी को सोते हैं और देवउत्थान एकादशी को जगते हैं। बहुत पवित्र तिथि, साथ ही साथ भीष्म पंचक आज से प्रारंभ, कार्तिक महीना परम पवित्र महीना, कोई भी भक्ति के कार्य अनंत गुना फल देने वाले। आप सभी कार्तिक व्रत का पालन कर रहे हैं, लेकिन आप जानते हैं कार्तिक व्रत की तो बहुत महिमा है, लेकिन मान लीजिए कभी अगर प्रश्न उठे कि प्रभु हमने कार्तिक माह का पालन नहीं कर पाया, मैंने कार्तिक महीना का पालन नहीं कर पाया, तब क्या किया जाए? अगर नहीं कर पाए हैं तो कोई बात नहीं, आप ये पांच दिन व्रत कर लीजिए, भीष्म पंचक व्रत, पूरे महीना व्रत रहने का फल मिल जाएगा। अब व्रत क्या है आप जानते ही हैं, कार्तिक व्रत, सवेरे उठ के नहाना चाहिए ब्रह्म मुहूर्त में। ब्रह्म मुहूर्त कितना बजे होता है? जब जागे तब, ठीक है? कितने बजे होता है? अगर 8 बजे नींद खुले तो ब्रह्म मुहूर्त वही है, है ना? है ना? वही है ब्रह्म मुहूर्त। 9 बजे नींद खुले तो वही ब्रह्म मुहूर्त है ना? ऐसा नहीं है, सूर्य उदय से 1.5 घंटा पहले ब्रह्म मुहूर्त प्रारंभ हो जाता है, तो उस समय उठ करके कम से कम ये 5 दिन तपस्या जरूर करना चाहिए, है ना? तो आज से ये प्रारंभ है, आप लोग करिए और शाम को भगवान दामोदर का दामोदर अष्टकम गाइए, भगवान दामोदर को दीप बताइए। इस प्रकार से करके यह भीष्म पंचक व्रत का भीष्म पंचक व्रत करिए, भगवान का नाम अधिक से अधिक जप करिए, जितना अधिक से अधिक आप कर सकें उतना अच्छा है। प्रयास करना चाहिए कि भाई 5 दिन बचे हैं तो कम से कम कितना माला करें? 64, गुड,
64 ना हो तो कम से कम 16 माला जरूर करने का प्रयास करना चाहिए। और नाम जब बहुत विशेष तरीके से करना चाहिए, अगर हम जब अच्छे से करेंगे तो बाद में की सारी क्रिया तो हो ही जाएगी, तो इसीलिए नाम जप पर बहुत विशेष जोर देना चाहिए कि भाई किसी भी स्थिति में इस प्रकार से नाम जप करें कि अच्छा रहे। तो इस प्रकार से इस भीष्म व्रत को करने का प्रयास करें 5 दिन, है ना, बहुत अद्भुत व्रत है। साथ ही साथ आज माधव तिथि है और हम जानते हैं कि यहाँ पे तो सब लोग उपवास करते ही होंगे। ऐसे हैं कोई जिन्होंने उपवास नहीं किया है, क्योंकि हम जानते हैं यहाँ पे उपवास नहीं करने वालों की संख्या कम होगी। एक बार हाथ उठाएं जिन्होंने नहीं किया है। अरे अरे, जिन्होंने नहीं किया वो हाथ उठाएंगे, करने वाले नहीं उठाएंगे। माता जी लोगों में से 2, प्रभु जी लोगों में से 2, 2, 4, 1, 5, 2, 6, 7, 8, बहुत अच्छा है, गुड। बाद बाकी लोगों ने किया तो है, करना चाहिए, करिए। एकादशी के दिन अन्न खाने से गोमांस खाने के बराबर पाप लगता है। बातें थोड़ी कड़वी लग सकती है, लेकिन जो सच्चाई है वो सच्चाई है, उसे स्वीकार करना चाहिए। एकादशी व्रत करना ही चाहिए, क्योंकि उस दिन अन्न में पाप का वास होता है, पाप नहीं करना चाहिए। और माधव तिथि भक्ति जननी, ये माधव तिथि जो करता है ना, वह क्या है, भक्ति को जन्म देने वाली है, मतलब भक्ति जननी बढ़ाने वाली है। जतने पालन करी, जितना मेहनत करके जतन करके इसका क्या किया जाए, पालन किया जाए, जितना उतना अच्छा है। इसलिए प्रयास करिए कि आप एकादशी करें। कोई बात नहीं, इस बार मिस हो गया, लेकिन ध्यान रखिए अगली बार मिस नहीं करिएगा। कुछ भी हो जाए अगले बार मिस हम एकादशी नहीं करेंगे, ठीक है। तो अगली बार कौन एकादशी नहीं करेंगे, जो नहीं करेंगे अगली बार वो हाथ खड़ा करिएगा, गुड। सब लोग करेंगे गांव, वैसे मैं जानता हूँ धर्मपुरा वासी बहुत ही धार्मिक लोग हैं, बहुत स्वीकृतिवान लोग हैं यहाँ पे। ऐसे वैसे कोई तुच्छ व्यक्ति आकर के यहाँ नहीं रह सकता, ये तो मुझे पता है। कोई थर्ड क्लास व्यक्ति धर्मपुरा में नहीं रह सकता, यहाँ के लोग पहले से ही स्वीकृतिवान हैं और बहुत अद्भुत स्वीकृति है आपकी। हर साल भागवत कथा श्रवण करना, इतना सुंदर एक गांव में इस प्रकार से इस कोण का केंद्र चलना, बहुत बहुत अद्भुत स्थिति है, बहुत अद्भुत स्थिति। तो आप सब स्वीकृतिवान हैं ही, ठीक है, थोड़ा बहुत गलती होता है। जिन्होंने नहीं किया है वो अगले एकादशी से जरूर कर लें। किस प्रकार से एकादशी करना चाहिए, क्या नियम है, क्या विधि है, आप यहाँ पे राम श्याम प्रभु से संपर्क करें, राम श्याम प्रभु आपको अच्छे तरीके से गाइड करेंगे कि किस प्रकार से करना चाहिए। राम श्याम प्रभु नहीं रहते हैं तो मदन मोहन मामा जी हैं, उपेंद्र कृष्ण प्रभु हैं, तीन लोगों से संपर्क करके अपनी भक्ति को आगे बढ़ाना चाहिए। आइए अब हम लोग पुनः भागवत की ओर बढ़ें। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण स्कंदस अध्याय 9 श्लोक संख्या 1 एवं 2। उच्चारण करेंगे मेरे पीछे पीछे। श्री शुक वाच, श्री शुक वाच,
एकदा गृहदासीसु एकदा गृहदासीसु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधी निर्ममंथ स्वयं दधी यानी यानि हि गीतानि तद्बालचरितानि च दधि निर्मंथने काले अस्मरन्ति तानि गायत अस्मरन्ति तान्य गायत ओके और कोई पढ़ेंगे ठीक है सब दात पढ़ते श्री शुक वाच श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा एकदा एकदा एक दिन गृहदासीसु जब घर की नौकरानियां काम में लगी हुई थी जब घर की नौकरानियां काम में लगी हुई थी यशोदा यशोदा माता यशोदा माता यशोदा नंद गेहिनी नंद महाराज की रानी नंद राज की रानी कर्मांतर अन्य कामकाजों में नियुक्तासु लगी हुई निर्ममंथ मतने लगी स्वयं 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 खुद स्वयं खुद दधि दधि दाहि दहि यानी यानी जो जो यानी यानी जो जो इह इह इस संबंध में गीतानि गीतानि गीत गीत तत् 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 बालचरितानि तत् बालचरितानि जिसमें अपने बालकों के कार्यकलापों का वर्णन था जिसमें अपने बालक के कार्यकलापों का वर्णन था च तथा तथा दधि निर्मंथने दहि मतने के काले काले समय समय स्मरन्ति स्मरन्ति स्मरण करती स्मरण करती तानि उन्हें उन्हें अगायत अगायत गाने लगी गाने लगी अनुवाद एवं तात्पर्य श्री कृष्ण कृपा मूर्ति ये श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की श्रील प्रभुपाद अनुवाद में लिखते हैं श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा एक दिन जब माता यशोदा ने देखा कि सारी नौकरानियां अन्य घरेलू का काम काजों में व्यस्त हैं तो वे स्वयं दही मतने लगी दही मतते समय उन्होंने कृष्ण की बाल क्रीड़ाओं का स्मरण किया और स्वयं उन क्रीड़ाओं के विषय में गीत बनाते हुए उन्हें गुनगुना कर आनंद लेने लगी जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय तात्पर्य पढ़िए तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी लिख रहे हैं श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर श्रील सनातन गोस्वामी कृत वैष्णव तोषणी से उद्धृत देते हुए कहते हैं कि कृष्ण द्वारा दही की मटकी तोड़ना और माता यशोदा द्वारा उनका बांधा जाना दीपावली या दीप मलिका के दिन घटित हुआ आज भी भारत में विशेषतया मुंबई में यह त्यौहार बड़ी ही धूमधाम से कार्तिक के महीने में फुलझड़ियों तथा दीपों को जलाकर मनाया जाता है यह माना जाता है कि नंद महाराज की सारी गायों में से माता यशोदा की कुछ गौएं ऐसी सुगंधित घासें खाती थी जिससे उनका दूध भी सुगंधित हो जाता था माता यशोदा इन्हीं गायों का दूध एकत्र करके दही बनाकर स्वयं मक्खन निकालना चाहती थी क्योंकि उन्होंने सोचा कि यह बालक कृष्ण पड़ोसी गोपों या गोपियों के घरों में जाकर मक्खन चुराता है क्योंकि उसे दूध तथा सामान्य रीति से तैयार किया गया दही अच्छा नहीं लगता था दही मथते समय माता यशोदा कृष्ण की बाल लीलाओं के विषय में गीत गाते जा रही थी पुराने जमाने में यह प्रथा थी कि यदि कोई किसी बात को लगातार स्मरण रखना चाहता है तो वह या तो उसे स्वयं कविता में ढाल दे या पेशेवर कवि से ऐसा करवा ले ऐसा लगता है कि माता यशोदा कृष्ण की लीलाओं को किसी भी समय भूलना नहीं चाहती थी इसलिए उन्होंने कृष्ण के बाल्यकाल की सारी क्रीड़ाओं को जैसे पूतना अगासुर सकटासुर तथा तृणावर्त वध को कविता में ढाल लिया था
और दही मत्ते समय वे कवित्वमय गीतों को गाती रहती थी। जो लोग 24 घंटे कृष्ण भावना भावित रहना चाहते हैं उन्हें ऐसा ही करना चाहिए। यह घटना बतलाती है कि जसोदा कितनी अधिक कृष्ण भावना भावित थी। कृष्ण भावनामृत में रहने के लिए ऐसे ही व्यक्तियों का अनुसरण किया जाना चाहिए। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। तो गत सत्र में अनेकों गोपियों के द्वारा शिकायत हुई, आप सबों ने उस शिकायत को संतों के शब्दों से श्रवण किया। गोपियां बहुत सुंदर उलाहना देती हैं कि अपना गांव लियो नंदरानी, हे यशोदा आप अपना गांव रखिए, हम जाकर के कहीं और बसेंगे, अब हम यहां नहीं रहेंगे। क्योंकि कृष्ण ने हमारे नाक में दम करके रखा है, देखा जाए तो यह लीला जो है भक्तों, कृष्ण की जो यह लीला है ना, यह बाल लीला अति प्रिय है कृष्ण को, अति अति प्रिय है, ब्रजवासियों को भी बड़ा आनंद आई है। संसार में वे लोग मूर्ख हैं जो कृष्ण की इस लीला को समझ नहीं पाते हैं, चोरी करते हैं, बछड़े को छोड़ देते हैं, हमारे बच्चों को परेशान करता है, अनेक प्रकार की उलाहना गोपियां देती हैं। देखा जाए तो गोपियां चाहती थी कि कृष्ण हमारे घर में आए, माखन चुराए और हम लोग शिकायत लेकर के कृष्ण के घर पे जाएं ताकि कृष्ण का दर्शन हमें प्राप्त हो, हम कृष्ण को देखते रह सके, इसलिए हो जाएगा। क्योंकि जब गोपियां शिकायत करती थी ना तो कृष्ण अपनी सफाई देते थे, मैया तुम इनकी बातों को मत मानना, तुम इनकी बातें मत आना, ये झूठी है, बता मैया तेरा लाला ऐसा कर सकता है। अब कृष्ण अपने ऊपर सवाल नहीं उठा करके मैया के ऊपर सवाल उठाता था, क्या तूने तूने अपने लाला को ऐसे संस्कार दिए, मैं चोरी करूंगा, बताओ बताओ। अरे 9 लाख गाय है हमारे घर पे, क्या कमी क्या है, किस किस चीज की कमी है, आप बताओ मैया हमारे घर पे कमी किस चीज की है जो हम चोरी करें। अरे इनको कोई काम धंधा नहीं है इसलिए मेरी फजीहत करते रहते हैं, ये लोग चाहते हैं मैया कि मेरा नाम बदनाम हो जाए और मेरी शादी ना। ब्रज के भक्त बहुत सुंदर कहते हैं, मैया जब मैं घर से चलूं, कहां चले जाते हैं आजकल चल चल के, कंटिन्यू करिए तक, उपेंद्र कृष्ण प्रभु कहां चले जाते हैं, उपेंद्र कृष्ण प्रभु तो ब्रज के भक्त भगवान की लीलाओं को बहुत सुंदर, जैसे अभी हम लोग सुनेंगे कि गोपियां भगवान की लीलाओं को गाते हैं, वैसे ही ब्रज के भक्त भी बहुत सुंदर छंदों में इसको गाए हुए हैं। थोड़ा बहुत हम लोग भी गाने का प्रयास करेंगे, ऐसा तो हमारा भाव नहीं कि हम गा सकें, ना हमारी ऐसी स्थिति, फिर भी थोड़ा प्रयास करते हैं। मैया जब मैं घर से चलूं, बुलावे ग्वालिन घर मामो, मैया जब मैं घर से चलूं, बुलावे ब्रज की वनिया, मैया जब मैं घर से चलूं, बुलावे ग्वालिन घर में मो, मैया जब मैं घर से
चलूं बुलावे घर में मोए माँ। तो भगवान मैया यशोदा को सफाई देते, मैया मैं तो बहुत सीधा साधा लड़का हूँ, जब मैं घर से निकलता हूँ तो ये सब लोग मुझे घर में बुला लेते हैं। मैया जब मैं घर से चलूं बुलावे ग्वालिन घर में मो, मैया जब मैं घर से चलूं बुलावे ग्वालिन घर में मो, ग्वालिन घर में मो, मैया ग्वालिन घर में मो, ग्वालिन घर में मोरे मैया ग्वालिन घर में मो, ग्वालिन घर मामो मैया ग्वालिन घर में मो, ग्वालिन घर में मोरे मैया ग्वालिन घर में मो, मैया जब माँ घर से घर से चलो बुलावे ग्वालिन घर में मैया, जब मैं घर से निकलता हूँ ये लोग मुझे घर में बुला लेते हैं और क्या करती है, अचक हाथ को गालो देके, अचक गाल को गालो देके, अचक हाथ को गालो देके, अचक गाल को गालो देके। क्या कहते हैं मैया, जब मैं घर से निकलता हूँ ना तो ये लोग अपने घर के द्वार पर अपने गाल पे हाथ देकर के खड़ी रहती है। आपने देखा है ना चौखट के ऊपर ऐसे करके खड़ी रहती, अब मुझे देखते रहती, अब मुझे अपने घर पे बुला लेती, और जानती है घर पे बुलाकर क्या कहती है, जानती है क्या कहती है, बोले अरे तू तो मेरा देवर है, मीठी बोले देवर कहीं के, 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 निर्धक हो जाए साकर देके, निर्धक हो जाए सावर देके, निर्धक हो जाए साकर देके, निर्धक हो जाए साकर देके। मैं जा रहा होता हूँ रास्ते में जा रहा होता हूँ और ये क्या करते हैं मुझे अपने घर में बुला लेते हैं, घर के दरवाजे पे खड़े होकर के चौखट पे मुझे बुला लेते हैं, और जब मैं घर में प्रवेश करता हूँ तो ये अपना दरवाजा ये सांकर दे करके बंद कर देते हैं। झपट उतारे कांचनी मुरली ले छुड़ा, और मैया क्या बताऊं, जब मैं अपने 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 मतलब इसके घर में जाता हूं तो ये क्या करती है, घर का दरवाजा बंद कर देती है और मेरी काचनी मेरे ऊपर से ले लेती है, मेरी मुरली भी छीन लेती है। तो मैया ने कहा अच्छा ऐसा करती है, तो बेटा उसे तुझे छीन लेना चाहिए ना, उसे छीन लेना चाहिए। तो कहते मैया मैं इतना मोटा इतना नन्हा सा और ये इतनी मोटी ढींगरी मैं कैसे छुड़ा सकता हूं, मैं बालक यह ढींगरी, मैं बालक यह ढींगरी, मैं बालक यह ढींगरी, मैं बालक यह ढींगरी,
इनते नहीं बसाए, इनते नहीं बसाए। मैया जब माँ घर से चलूं बुलावे वाले नगर मामों, मैया जब मैं घर से चलूं बुलावे ग्वालिन घर मामों, ग्वालिन घर मामों मैया, ग्वालिन घर मामों, ग्वालिन घर मामों मैया, ग्वालिन घर मामों, ग्वालिन घर में मो मैया, ग्वालिन घर में मो, ग्वालिन घर में मो मैया, ग्वालिन घर में मो। मैया जब माँ घर से चलूं बुलावे ग्वालिन घर में मो, मैया जब मैं घर से चलूं बुलावे ग्वालिन घर में। समझ में आ रहा है, अपने घर भी बुला लेती है, अंदर से घर का दरवाजा बंद कर लेती है, गमछा ले लेती है, बांसुरी निकाल लेती है और फिर क्या कहती है, और फिर गाना चालू कर देती है। आप हो नाचे मोहे नचावे, 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 काहे बतावे तो, काहे बतावे तो। जब माँ घर से चलो बुलावे ग्वालिन घर मामो, मैया जब मैं घर से चलो बुलावे ग्वालिन घर मामो। मैया क्या बताऊँ, जब भी जाता हूँ ये गाती है और मुझे नचाती है। मैया भी कहे कि अरे तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, करते क्यों, डर डर मैया, मैं इतना छोटा सा ये इतनी मोटी, मैं छोटो यह चतुर गुजरिया, 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 हरी मटकिया मोहन कटिया, हरी मटकिया मोहन कटिया, हरी मटकिया मोहन कटिया, हरी मटकिया मोहन कटिया, गोरस दियो थका, गोरस दियो थका, गोरस दियो थका, गोरस दियो थका। मैया जब माँ घर से चलूं मिलावे ग्वालिन घर में मो, मैया जब मैं घर से चलूं बुलावे ग्वालिन घर में। मैया क्या बताऊं, ये लोग मुझसे क्या क्या नहीं कराते, तुम जानती हो ये मुझे इतना परेशान करती है, और आज ये तुम्हारे सामने शरीफ बन रही है, सत्यवादी बन रही है, लेकिन जब मैं बाहर निकलता हूं ना तो मेरे सामने एक गोरस की मटकी रख देती है, और तू तो जानती मैया कि मुझे गोरस कितना प्रिय है, मेरे सामने माखन की मटकी रख देती है और मुझसे काम कराती है, ये कहती है कि मेरी चोटी बनाओ। मैया बस थोड़े से माखन के लोभ में ये मुझे कष्ट देती है, ये बिस्तर पर सो जाती है और घंटों भर मैं इसकी चोटी बनाता रहता हूँ, ये ढींगरी सोते रहती है और यहाँ आकर के उल्टा मेरा कंप्लेन कर रही है। मैंने आकी चींटी बीनी, मैंने आकी चींटी बीनी, मैंने आकी चींटी बीनी, मैंने आकी चींटी बीनी, यह निद्रण में रही सोई, यह निद्रण में रही सोई, यह निद्रण में रही सोई, यह निद्रण में
मैया जब मांगर से चलूं बुलावे वालनगर में मो मैया जब मैं घर से चलूं बुलावे घर में ग्वालियर। ये सोई रहती है और घंटों भर मुझसे छोटी बनवाती है, बस थोड़े से मांग कर और मैया यहाँ पे आकर के शिकायत कर रही है। मैया एक दिन मैं पनघट पे बैठा था, एक दिन पनघट पे मैया, एक दिन पनघट पे मैया, एक दिन पनघट पे मैया, दिन घन घन घट पे मैया, मैं बैठूं एक वृक्ष की छैया, मैं देखूं एक वृक्ष की छैया, मैं बैठूं एक वृक्ष की छैया, मैं बैठूं एक वृक्ष की छैया। भैया ये लोग तुम्हारे सामने मेरी सफाई दे रही है ना, मेरी शिकायत कर मैं बताता हूँ। एक दिन मैं आराम से पनघट पे बैठा था यमुना में पानी पी करके, अब मुझे तो इनसे कुछ लेना देना है, ये जिधर जाती उधर मैं जाता भी नहीं हूं। इनके पनघट से हट करके मैं बैठा था, जिधर पानी देती उधर नहीं, संग बैठूं बल दाऊ भैया, चल दाऊ भैया, संग बैठूं बल दाऊ भैया, चल बैठूं बल दाऊ भैया, यह पहुंची लेके गागरिया, यह पहुंची लेके गागरिया। मैया झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैया अगर विश्वास ना हो तो दाऊ जी से पूछो, दाऊ मेरे साथ थे, हम वहाँ बैठे थे वृक्षाओं में अपना काम कर रहे थे और उस समय ये सब गोपियाँ आई और कुलचा दे देकर अर्थात मेरे गाल को खींच खींच कर लाल कर, मैया बहुत मारती और यहाँ मेरी शिकायत करती है। तो इस प्रकार से भगवान अपनी सफाई देते हैं कि मैया मैं जानता हूँ, लोगों की मीटिंग मैंने सुन ली है, ये लोग प्लान कर रहे थे कि कृष्ण बहुत अच्छा लड़का है, ये कहीं बाहर नहीं जाना चाहिए, कहीं बाहर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर शादी हो गई तो बाहर चल जाएगा ना, तो इसके लिए ये गांव में ही रहे, इसके लिए इसको बदनाम कर देते हैं। तो ये हमें बदनाम करने का प्लान कर रहे हैं, मैया मैं इतना हैंडसम हूँ ना, देखने में इतना स्मार्ट हूँ, तो लोग मुझे बदनाम करना चाहती है, बहुत इन्होंने मुझ पर जुल्म किया है, बहुत गुजार किया है। इस प्रकार शिकायत होती थी, गोपियां चली जाती थी, बहुत बहुत सारी ब्रजभाषा में लिखे गए हैं। तुहे काहे दिन काहे दिन हाथ लगाए दूंगी मत फोड़ दहिन के मटके, काहे दिन हाथ लगाए दूंगी मत फोड़ दहिन के मटके। थोड़ा नृत्य करते हुए, थोड़ा सा नृत्य हो जाए अच्छा रहेगा। अब तो फिर भगवान आगे रोने वाले हैं, ऐसी ऐसी लीला करेंगे, ये कंप्लेन में ही है कि आप थोड़ा सा नाच सकते हैं। अब मानो कंप्लेन के बाद भगवान उनसे मिले, अब भगवान बनाए कुछ करे और गोपियां कहे तू बहुत शैतानी करता है, तुझे एक दिन दो चार हाथ लगा दूंगी ना बस हालत खराब हो जाएगी। तो वही कह रहे तोहे काहु दिन हाथ लगाए दूंगी मत फोड़ दहिन के मटके, तोहे काहु दिन हाथ लगाए दूंगी मत फोड़ दहिन के मटके, मत फोड़ दहिन के मटके हो लाला, मत फोड़ दहिन के मटके, मत फोड़ दहिन के मटके हो लाला, मत फोड़ दहिन के मटके। तोहे काहु दिन हाथ लगाए दूंगी मत फोड़ दहिन के मटके, तोहे काहु दिन हाथ लगाए दूंगी मत फोड़ दहिन के मटके।
हरी बोल। एकादशी में एनर्जी खत्म हो गई है क्या? हरी हरी बरसाने की मैं हूँ ग्वालन बरसाने की मैं हूँ ग्वालन बरसाने की मैं हूँ ग्वालन बरसाने की तेरी धौस में नहीं आने 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 की मैं हूँ ग्वालन बरसाने की मैं हूँ ग्वालन बरसाने की तेरी धौस में नहीं आने की तेरी धौस में नहीं आने की तेरो रस्ता तेरो रस्ता बंद कराए दूंगी मत फोड़ कहिन के मटके तेरी रस्ता बंद कराए दूंगी तेरो रस्ता बंद कराए दूंगी मत फोड़ दहन के मटके रस्ता बंद कराए दूंगी मत फोड़ दहन के मटके झूमते हुए हरी हरी राधे एक टीम बना करके नाचना चाहिए जय हो प्रभु जी लोगों का भी एक टीम होना चाहिए नाचिए थोड़ा हिलिए थोड़ा डुलिए आत्मा को नाचने दीजिए दो चार टीम हो जाएगा माता जी में आराम से फैल जाइए पूरा फील्ड आपका ही है कोई रेंट नहीं लगने वाला है हरी हरी अरे प्रभु जी लोग का एक टीम तो होना चाहिए ना प्रभु जी धर्मेंद्र प्रभु राम श्याम प्रभु टीम बनाइए हरी 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 ले जाइए जय हो। देखिए माता जी लोगों का टीम कितना सुंदर लग रहा है लेकिन फिर भी है कि कुछ लोग हम तो नहीं हिलेंगे प्रभु जी आप कुछ भी कह लीजिए जैसे पंडाल में पिलर लगा हुआ है वैसे ही हम भी हैं
माता यशोदा से कही आई, माता यशोदा से कही आई, माता यदो माता यशोदा से कह आई, माता यशोदा से कही आई, माता यशोदा से कही आई, माता यशोदा से कही आई, घर चल तेरी करेगी पिटाई, 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 ओहे ऊखल जय हो, तोहे ओखल से बंधवाए दूंगी मत फोड़ दहन के पटके, तोहे ओखल से बंधवाए दूंगी मत फोड़ दहन के पटके, तोहे ओखल से बंधवाए दूंगी मत फोड़ दहन के मटके, तोहे ओखल से बंधवाए दूंगी मत फोड़ दही की मटकी, मत फोड़ दही के मटके हो लाला, मत फोड़ दहन के मटके, मत फोड़ दही के मटके हो लाला, मत फोड़ दही की मटकी, तोह कहे बिने हो गया हो गया हो गया हो गया नहीं, तोहे काओ दिन हाथ लगाए दूंगी, तोहे काओ दिन हाथ लगाए दूंगी मत फोड़ दही की मटकी, तोहे काओ दिन हाथ लगाए दूंगी मत फोड़ दही की मटकी, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, 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 गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, राधा रमन हरि बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो, काहे को तरसावे हो लाला मोहे, काहे को तरसावे, काहे को तरसावे हो लाला मोहे, काहे को तरसावे, काहे को तरसावे हो लाला मोहे, काहे को तरसावे, काहे को तरसावे हो लाला मोहे, काहे को तरसावे, मेरे घर कब न आवे सांवरिया मोहे, काहे को तरसावे, मेरे घर कब सांवरिया मोहे, काहे को तरसावे, मेरे घर कब न आवे सांवरिया मोहे, काहे को तरसावे, thank you.
नाचते हुए देखिए, जिनको नहीं नाचना है वो बैठ जाइए, जिनको नहीं नाचना है वो बैठ जाइए, अन्यथा सब लोग दोनों हाथ ऊपर करिए, सब लोग माता जी हाथ ऊपर करिए, ऊपर करिए सब लोग, प्रभु जी लोग भी सब ऊपर करिए, और हिलते हुए वन वन गाय चरावत डोले, 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 काहे को तरसावे हो लाला मोहे, काहे को तरसावे, काहे को तरसावे हो लाला मोहे, काहे को तरसावे, मेरे घर कबहु न आवे सांवरिया मोहे, काहे को तरसावे, आवे सांवरिया मोहे, काहे को तरसावे, वन वन गाय चरावत डोले, 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 तुकारी तू तुकारी ओड़े कांवरिया मोए काहे को तरसावे, तू तुकारी ओड़े कृष्णा हरे कृष्ण, कृष्णा हरे हरे, हरे रामा हरे रामा, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे रामा, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णा युगधर्मराज, युगधर्मराज हरि नाम संकीर्तन की। तो इस प्रकार से नोक झोंक अब हो गया, बैठ जाइए बैठ जाइए, आवाज नहीं खाली खाना है, शांति से बैठ जाइए। अब इस प्रकार से नोक झोंक चलते रहती थी, और इस प्रकार से गोपियां भगवान का शिकायत करके चली गई। मां का हृदय था, सोचने लगी कि आखिर ये कृष्ण चोरी क्यों करता है, है ना? बच्चा अगर स्कूल से एक पेंसिल भी चुरा लेता है तो माता को बड़ा खराब लगता है, आज पेंसिल चुराया है कल लड़की चुराएगा, उसका कुछ करना पड़ेगा। आखिर हमारे घर पे इतना माखन है, फिर ये दूसरों के घर पे माखन क्यों खाता है? कृष्ण के लिए तो 9 लाख गाय थी घर पे, आप जानते हैं उसमें भी एक गाय
पद्मगंधा घाय, जिसे उसका क्या आहार था मालूम है? पद्मगंधा घाय को पहले तो 100 गाय थी, जिससे 100 गाय का दूध 10 गाय को पिलाया जाता था, और उस 10 गाय का दूध पद्मगंधा को पिलाया जाता था, और उनसे जो दूध निकलता था वह कृष्ण को पिलाया जाता था, और उससे कमल की खुशबू आती थी। अद्भुत दूध, अद्भुत माखन। तो यशोदा सोच रही है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, कृष्ण इस प्रकार से क्यों कर रहे हैं, दूसरे के घर पे जाकर के माखन चुराना, ये सब सही बात नहीं है, क्या बात है आखिर। यशोदा देवी इस प्रकार से सोच रही है, आखिर उत्तर मिल गया। बोले, मेरे घर पे जो माखन बनता है ये मेरे दास दासियां बनाते हैं, ये नौकर जाकर बनाते हैं, मैंने आज तक अपने हाथ से माखन नहीं बनाया है कृष्ण के लिए, अब मुझे अपने हाथ से कृष्ण के लिए माखन बनाना पड़ेगा। समझ रहे हैं? क्या कह रहे हैं कि मैंने अपने हाथ से माखन नहीं बनाया है और कृष्ण लगता है इसलिए नहीं खा रहे, क्योंकि ये तो नंद रानी है ना, ये तो रानी है, और रानी के यहाँ पे तो अनेकों दास दासियां हैं, क्यों वो माखन बनाएंगी। मैंने आज तक अपने हाथों से कृष्ण के लिए माखन बनाया नहीं, इसलिए कृष्ण। और भगवान तो आप जानते हैं, भगवान क्या कहते हैं उसको, सामान के नहीं, भगवान किसके भूखे हैं? भाव, भावग्राही जनार्दन, द्रव्य के भूखे नहीं हैं। हमारे भगवद गीता में कह दिया भगवान ने, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, पत्ता दे दीजिए, थोड़ा फूल दे दीजिए, कुछ भी दे दीजिए चला जाए। इस पर भी परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज बहुत सुंदर कहते हैं कि मान लीजिए कृष्ण कहे पत्रम पुष्पम फलम तोयम, तो कोई कहे प्रभु आजकल सिटी में पत्र कहाँ मिलता है? बोले अच्छा ठीक है, वो रेलवे स्टेशन पे फूल मिलता है वही ला करके दे देना। बोले प्रभु जानते हैं आप, ये गुलाब की कीमत 20-30 रुपए ले लेता है, अपनी पत्नी के लिए तो ला ही नहीं पाते हैं, तो आपके लिए कहाँ से लाएंगे, है ना। बोले अच्छा ठीक है, पत्र नहीं, पुष्प नहीं, फल तो देखता हूँ मैं हर जगह मिलता है, ठेला वाला भी ला लेकर के जाता है, वही वाला दे देना, बहुत महंगा है प्रभु, बहुत महंगा है। बोले ठीक है, पत्र भी मत दो, पुष्प भी मत दो, फल भी मत दो, जल तो दे सकते हैं ना, जल से ही भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, अन्य कोई चीज की आवश्यकता नहीं है, खाली जल भी दे देंगे तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। कोई प्रेम से भाव से भगवान को, अब पूतना क्या देने आई थी बताइए, क्या देने आई थी पूतना? हाँ, कालकूट, जहर, फिर भी भगवान ने अपना माता बना लिया। तो भगवान भाव के भूखे हैं। सबरी ने भगवान को जूठे बैर खिलाए, भगवान ने खा लिया। आप लोग नहीं बनने का प्रयास करिएगा अभी, ठीक है? अभी बिना चखे हुए ही भगवान को भोग लगाई है, ठीक है। और दुर्योधन ने 56 भोग खिलाया, लेकिन भगवान ने क्या कहा? यद्यपि भगवान को बहुत भूख लगी थी, बहुत भूख लगी थी, भूखा आदमी क्या नहीं खा सकता है, भूख का वेग इतना प्रचंड होता है कि कुछ भी सामने हो तो खा लेता है। भगवान को भूख लगी थी, दुर्योधन ने 56 भोग ऑफर किया कि प्रभु खा लो। कृष्ण ने कहा भोजन नहीं करूंगा। दुर्योधन ने कहा केशव आप भोजन नहीं करोगे क्यों? कृष्ण सीधा कहा दुष्ट अन्नम ना भुगतवा, मैं दुष्टों का अन्न नहीं खाता। दुर्योधन ने कहा दुष्ट? बोले हाँ, कैसे दुष्ट? बोले तुम मेरे भक्तों पांडवों से द्रोह करते हो, और मम प्राणा ही पांडवा, पांडव मेरे प्राण है, और तुम पांडव से द्रोह करते हो तो मैं तुम्हारे घर पे भोजन नहीं कर सकता, इसीलिए अब भक्तों के हाथ से भगवान नहीं खाते हैं। इसे बोला जाता है ना, प्रभु जी दो चार हलवाई बना लेते हैं और बनवा लेते हैं खाना, भोग लगा देते हैं, अथवा आज कुछ नहीं घर पे बना रहे हैं, कुछ रेडीमेड ले आते हैं जाकर के बाजार से, थोड़ा बुनिया या फिर क्या क्या, थोड़ा समोसा वमोसा, तो भगवान उसको नहीं स्वीकार करते हैं।
ध्यान रखना चाहिए, जब तक भाव नहीं हो कि मैं यह कृष्ण के लिए बना रहा हूँ तो फिर कैसे स्वीकार करेंगे। और भी सोचिए, हलवाई तो कभी कभी बीच बीच में, समझ गए होंगे सारा आप। और दुकान में अगर आप जाते हैं तो मान लीजिए रसगुल्ला ही बना है, तो वह रसगुल्ला भगवान से लाने से पहले 10 आदमी तो पहले ले जाकर के ठूस लिए हैं, तो झूठा हो गया ना। झूठा भगवान को खिलाएंगे नहीं ना। तो इसलिए प्रयास करना चाहिए कि घर पे ही बनाए, शुद्ध बनाए और भगवान को निवेदन करें। और कोई भी सेवा करने से पहले सर्वप्रथम जरूरी है कि जप करे वह व्यक्ति। जप कर रहा है तब भगवान स्वीकार करते हैं, बहुत प्रेम है कृष्ण से, लेकिन जप ही नहीं कर रहा है तो फिर समझ रहे हैं उसका प्रेम, भगवान ठीक है तुम्हारा जो प्रेम है मैं समझ रहा हूँ, उसी प्रकार से फिर भगवान उसके साथ आदान प्रदान करते हैं। वास्तव में कृष्ण को भूख लगी थी और कहा मैं नहीं खाऊंगा। अब भगवान निकले तो बोले अरे अब तो मना कर दिया लेकिन पेट तो जल रहा है भूख से, क्या करें क्या करें क्या करें। बोले अच्छा मेरा एक भक्त है यहाँ, उसके इधर जाना चाहिए, क्या नाम है? विदुर। और विदुर जी के घर पे गए, विदुरानी घर पे थी। कृष्ण को घर पर आए देख करके विदुर जी ने क्या किया, विदुर जी की पत्नी सुध बुध खो गई, कहाँ जाऊं क्या करूं क्या खिलाऊं क्या बनाऊं कुछ समझ में नहीं आया। वहीं पे केला पड़ा हुआ था, केले को लिया और उसके गर्भ को बाहर फेंकता गया और छिलका भगवान को खिलाता गया। लो भगवान को देख करके इतना मोहित हो जाते हैं, केले का छिलका भी भगवान खा गए। हमारे प्रभु भाव के भूखे हैं, वस्तु नहीं देखते। कर्माबाई की खिचड़ी, कर्माबाई दिल्ली जगन्नाथ जी के लिए भोग लगाती थी, बूढ़ी हो गई, थोड़ा एक दिन देखा कि अरे लेट हो गया हूँ, जगन्नाथ जी का उठने का समय हो गया, एक हाथ से दतमन करने लगी, एक हाथ से तवा पे चढ़ा दी खिचड़ी, देखी कि खिचड़ी जलने लगी तो उसी दतमन से खिचड़ी को चलाती, उल्टी होता है ना, दतमन करते हैं एक साइड चबाते हैं और एक साइड नहीं चबाते, तो उल्टा साइड से चला दिया। आप बताइए कितने लोग उस खिचड़ी को खाएंगे, हैं खाएंगे कोई? लेकिन जगन्नाथ जी आए और बड़ा प्रेम से कर्माबाई के हाथ से खाए। तो इस प्रकार से हमको समझना चाहिए भगवान भाव के भूखे हैं, अन्य देवी देवता द्रव्य के भूखे हैं, लेकिन कृष्ण भाव के भूखे हैं, उनको भाव चाहिए, प्रेम चाहिए। अब अगर ये समझ में नहीं आए तो एक सिद्धांत से इसको समझ सकते हैं। जैसे यशोदा ने सोचा कि मेरे घर में माखन की कोई कमी नहीं है, उच्च कोटि का माखन है, लेकिन बनाने वाला कोई दूसरा है। जैसे आप होटल में जाते हैं तो होटल में भी जाएंगे तो बहुत सुंदर तरीके से वेटर आता है, सर हाउ मे आई सर्व यू, दोनों हाथ जोड़ करके बताइए सर। अब उस हाथ जोड़ने के पीछे उसका क्या रीजन होता है, क्या? पैसा। और जब एक पुत्र थक करके अपने घर पे आता है तो माता भी पूछती कि बेटा क्या खाएगा, दोनों के भाव में क्या कुछ अंतर है, है कि नहीं है, क्या अंतर है? वेटर सोच रहा है कि ये खाएगा खुश होगा तो मुझे टिप देगा, और माता सोच रही है कि मेरा बेटा खाएगा तो इसका थकान दूर होगा। समझ रहे? इस संसार में कार्य कार्य में इस प्रकार से अंतर होता है। कार्य देखने में एक ही लग सकता है लेकिन उसके भाव में अंतर है। अभक्त लोग कहते हैं तुम इस्कॉन वाले भी तो खाना ही खाते हो, हम लोग भी तो खाना खाते हैं, वही दाल चावल सब्जी, लेकिन दोनों में आसमान और जमीन का अंतर। समझ रहे हैं? तुम इस्कॉन वाले भी देखो कथा कीर्तन में नाचते हो और हम लोग डिस्को में जाकर के डिस्को करते हैं, लेकिन दोनों में कोई तुलना नहीं। समझ रहे हैं? तुम इस्कॉन वाले भी तो वृंदावन जगन्नाथपुरी मायापुर अयोध्या जाते हो घूमने के लिए, हम भी तो जाते हैं गोवा बॉम्बे और ना जाने कहां कहां घूमने के लिए, दोनों के घूमने के तरीके में आसमान और जमीन का अंतर। समझ रहे हैं? क्रिया वही है, वही दाल सब दाल राइस सब्जी आप भी बना रहे हो, वो भी वही बना रहा है, लेकिन अंतर है। आप किसके लिए बना रहे हैं? कृष्ण के लिए बना रहे हैं और वह अपने लिए। आप कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए बना रहे हैं और ये अपने। ये निर्जेंद्रिय प्रतिवांछा,
और वहां पे कृष्णेंद्रिय प्रतिवान छा, समझ रहे हैं, वो कृष्ण को अच्छा लगे आपके पास और उसके पास निजेंद्रिय मेरे इंद्रियों को अच्छा लगे, अंतर हो जाता है, बहुत अंतर हो जाता है। तो इसको इसीलिए आप लोग तो खैर वैसे सब लोग भोग लगाते हैं ना भगवान को, कोई ऐसा व्यक्ति है यहाँ पे जो भोग नहीं लगाता है, बिना भोग लगाए खाता है? गुड, कोई व्यक्ति है तो हाथ खड़ा करिए जो बिना भगवान को भोग लगाए हुए खाते हैं, डरना नहीं है, बताए बोलो, हाँ उठा सकते हैं, एक माता जी, दो, तीन, ओके, गुड गुड। बिना भगवान को भोग लगाए हुए नहीं खाना चाहिए, ध्यान रखिए, भगवान भगवत गीता में कहे जो बिना मुझे भोग लगाए हुए खाता है वह भुंजते तत्वघम पापम, वह व्यक्ति क्या खा रहा है, पाप खा रहा है। क्यों पाप खाएंगे आप, वही दाल राइस सब्जी बना रहे हैं, बना रहे ना, उसी को भगवान के सामने रख देना है। ऐसा नहीं है कि दाल मतलब गप नहीं करिए, सुनिए, हरी 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 हरी, अरे बाप अरे बाप, वायरलेस माइक दे दीजिए वहां पे, कुछ दिव्य ज्ञान वहां से भी आएगा। क्या बोल रहा था मैं, हाँ, भोग लगाने के लिए, बिना भोग लगावे कतई ग्रहण मत करिए, जबकि जब तक पेट की अतड़ियां फट ना जाए, अब पेट की अतड़ियां बोले कि अब कोई ऑप्शन नहीं है, तब एक अलग बात है कि कुछ दो चार बिस्किट या फिर फ्रूट्स इत्यादि ले लिए, लेकिन बिना भोग लगावे फिर भी नहीं खाना चाहिए, समझ रहे, नहीं खाना चाहिए, भोग लगाइए, बिना भोग लगाए हुए खाना बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ा पाप। क्या क्या प्रॉब्लम क्या है भोग लगाने में, बताइए, भोग कौन कौन लगाते हैं, यहाँ पे थोड़ा हाथ खड़ा करिए, तो लगाते कौन कौन है, तो इसके लिए कुछ कसरत करनी पड़ती है खाना बनाने के लिए, ऐसा कि माथा नीचे करके और पांव ऊपर करके बनाना पड़ता है प्रभु जी, तो अब भगवान खाते हैं, ऐसा है क्या, बहुत साधारण तरीके से बनाते हैं ना, वैसे ही बनाते हैं, समझ रहे हैं, और उसी को अच्छा भोग थाली तो बहुत वजन हो जाता होगा, नहीं, भोग लगाने का कब कुछ बहुत बड़ा बड़ा मंत्र होता होगा, डेली यज्ञ करना होता होगा, आप लोग को करना होता है, नहीं, वही दाल राइस सब्जी बस उसी को भगवान के सामने रख देना, उल्टा खर्चा बच जाता है, क्योंकि भगवान कुछ चीजें नहीं खाते जैसे प्याज लहसुन इत्यादि, तो उससे खर्चा बच जाता है, पैसे बच जाते हैं, है ना, और खाना का स्वाद बढ़ जाता है, वो दुर्गंध से मुक्ति मिल जाती है, लहसुन प्याज डालने से दुर्गंध होता है ना, कितना दुर्गंध होता है, नहीं खाना चाहिए। कुछ लोग कहेंगे प्रभु जी हार्ट का बीमारी हो जाता है नहीं खाने से, तो मतलब जितने हार्ट के बीमारी वाले हैं सब लोग बिना लहसुन प्याज खाने वाले हैं, पता चलेगा सब प्राय ठूस ठूस के लहसुन प्याज खाने वाले हैं और हार्ट के हॉस्पिटल में भर्ती है, समझ रहे, तो भगवान को भोग लगाइए। आप अगर अभी तक नहीं लगाते थे कोई बात नहीं, आज से लगाना शुरू कर दीजिए। माता जी हैं आप, और यहाँ पे तो काफी सारे माता जी लोग हैं जो ट्रेंड है, सुदेवी माता जी हैं, इनसे संपर्क करिए, सीखिए कि किस प्रकार से भगवान के लिए भोग बनाया जाता है। बहुत आसान तरीका है, गैस जलाइए अथवा चूल्हा जलाइए, उसके ऊपर कढ़ाई और जो लदाते हैं लदा दीजिए और बना दीजिए, सिंपल, ठीक है। अगर मदद चाहिए तो हम भी कर देंगे, लेकिन उसके लिए हमें बुलाना पड़ेगा प्रसाद के लिए, है ना, लेकिन भोग लगाइए भगवान को, जरूर भोग लगाइए, बिना भोग लगाए हुए मत खाइए, इससे आपका उद्धार हो जाएगा। एक बार प्रसाद खाने मात्र से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। आपको हमने आपको पता है रामानुचार्य के एक गुरु हुए जिनका नाम था यादव प्रकाश, क्या नाम था बोलिए, यादव प्रकाश। देखिए प्रसाद की महिमा क्या है, तो यादव प्रकाश एक बार वहां के राजा के बेटी को भूत लग गया था, उसको उतारने के लिए गए, तो जब उतारने के लिए गए तो वह भूत हंसने लगा और हंसते हुए उसे एक लात मार दिया, हटो, तो जाके पीछे बैठ गया बेचारा, बोले मैं तुमसे नहीं उतरूंगी, अगर तुम्हें उतारना है तो अपने शिष्य रामानुचार्य के चरण की धूली ले आ, मैं उससे उतर जाऊंगी। अब यह गुरु तो कैसे जाए, किसी दूसरे असिस्टेंट को भेजा, जाओ जा करके लेकर के आओ, लाने के लिए गया तो वह भूत बैठे बैठे हंस रहा था और उसको बताता है कि तुम बहुत उछल रहे हो ना, अब ये बोल रहा है मेरे को ऐसा क्यों बोल रही है ये, तुम बहुत उछल रहे हो ना, तुम जानते हो पूर्व जन्म में तुम क्या थे, क्या थे। अब तो ये भी यादव प्रकाश भी कंफ्यूज हो गए, मैं क्या था पूर्व जन्म में।
तो कहते हैं तुम पिछले जन्म में गिरगिट थे। क्या थे? गिरगिट थे। संयोग से एक वैष्णव आया था, उसने अपने खाने के लिए प्रसाद बनाया, प्रसाद बना करके भगवान को भोग लगाया, और भोग लगाने के बाद जब खुद प्रसाद ग्रहण कर लिया, और ग्रहण करने के बाद जब उसने पत्ता फेंका ना, तो आप देखते खाने के बाद एक आध दाना चावल अथवा थोड़ा सा कुछ कुछ लटक जाता है पत्ते में, तो बोल तुमने उसे अपने जीवा से स्पर्श कर लिया, चाट लिया, और उस एक दाना प्रसाद के कारण तुम डायरेक्टली गिरगिट से मनुष्य बने, और उसमें भी उच्च योनि ब्राह्मण के कुल में जन्म लिए, और इसीलिए तुम आज वेद और शास्त्र को समझ पा रहे हो। ये है प्रसाद की महिमा, ये है प्रसाद की महिमा। एक बार प्रसाद खाने मात्र से, और अगर आप डेली प्रसाद खाएंगे तो सोचिए क्या होगा, क्या होगा। आप जानते हैं हमारा सेल्स जो होता है ना बॉडी का, हर एक 7 साल में खत्म हो जाता है। पूरा बॉडी का जो सेल्स है, जो पार्ट्स है, सब 7 साल में खत्म और नया बन जाता है। तो अगर आप 7 साल तक लगातार प्रसाद खाते रहे तो प्रसाद वाला शरीर बन जाएगा ना, कृष्णा कंसियसनेस बॉडी। इसलिए परम पूज्य पदा का स्वामी महाराज कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति लगातार 7 साल तक केवल प्रसाद खाएगा और बाहर का कुछ नहीं खाएगा तो वह भक्त बन जाएगा, भगवत धाम को प्राप्त कर लेगा। इसलिए प्रसाद ही खाना चाहिए। तो जो नहीं खाते हैं उनसे निवेदन है कि आज से ही भोग लगाना शुरू कर दे। ठीक है, ठीक है। तो यशोदा ने सोचा कि ये दास दासियां मेरे घर पे माखन बनाती है, ठीक से नहीं बनाती होगी, भाव ठीक नहीं होगा, तो आज से मैं ही माखन बनाऊंगी। तब यशोदा ने निर्णय लिया और अपने हाथ से माखन बनाऊंगी। तो यशोदा अपने हाथ से माखन बनाने के लिए बैठी है। सुखदेव गोस्वामी दशम स्कंद के 9वें अध्याय में ये कथा यहाँ से प्रारंभ करते हैं। एकदा गृह दासेषु यशोदा नंद गेहिनी कर्मांतरनियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधि। एक समय की बात, एकदा गृहदासेषु यशोदा नंद गेहिनी। एक समय की बात, किस समय की बात? तो कहते हैं दिवाली के दिन की ये बात है। ये सब सोचते सोचते दिवाली का समय आ गया। बोले दिवाली के दिन यशोदा मैया, नाम है यशोदा। अब यशोदा का क्या अर्थ होता है? यश, यश मने कृति, सम्मान, और दा मने देने वाला, जो दूसरों को मान और सम्मान दे उसे यशोदा कहते हैं। और जो दूसरों को मान देना सीख गया ना, तो भगवान उनके घर पर पुत्र बन करके प्रकट हो जाते हैं, यशोदा के पुत्र। चैतन्य महाप्रभु ने कहा ना, डेली आप शिक्षाष्टकम में गुनगुनाते हैं क्या, अमानी न मान देना कीर्तनिया सदा हरि। कुछ लोग बोलते रोज हैं लेकिन करते कभी नहीं है, लेकिन करना चाहिए, है ना। तो एक दिन यशोदा मैया दिवाली के दिन गृह दासेषु अपने घर पर जितने दासियां थी, ये दास दासियों को छुट्टी दे दी, अन्य अन्य कार्यों में नियुक्त कर दिया, और निर्ममंथम स्वयं दधि, यशोदा खुद स्वयं दधि बनाने के लिए बैठ गई। दिवाली का दिन होने के कारण यशोदा ने बहुत सुंदर वस्त्र धारण किए। भगवान की सेवा करते समय वस्त्र की बड़ी महिमा है भक्तों, बहुत महिमा है। पवित्र वस्त्र पहनकर भगवान की सेवा करनी चाहिए, पवित्र वस्त्र पहनकर भगवान के लिए भोजन बनाना चाहिए। कुछ लोग तो रात को जो वस्त्र पहन करके सोते हैं, बस वही पहन करके किचन में चले जाते हैं। कभी भी ध्यान रखिए, आप सब लोग गृहस्थ हैं, कभी भी हमारे घर का सबसे शुद्ध स्थान क्या होता है? किचन, रसोई घर। कभी भी बिना स्नान किए हुए रसोई घर में नहीं जाइएगा, कभी भी नहीं, कुछ भी हो जाए, ठंडी का दिन हो, बर्फ पड़े, फिर भी नहीं जाइए। समझ रहे मेरी बात को? कभी नहीं जाना चाहिए, हमेशा नहा धो करके अच्छे कपड़े पहन करके जाना चाहिए। कुछ लोग करते हैं जो रात को पहन करके सोया, बस वही पहन करके घुस गए किचन में, तो उस घर में बहुत किचकिच, लड़ाई झगड़ा, कलह होते रहता है। नहीं जाना चाहिए, कभी नहीं जाना चाहिए। नाइटी पहन करके घुस जाते, नहीं घुसना चाहिए, कतई नहीं घुसना चाहिए। मैंने ठान लिया है कि इसे नाइटी मुक्त भारत बनाऊंगा। कम से कम जो लोग हमारे अंडर हैं उनको तो मैंने मना कर दिया कि एकदम नहीं पहनना। ठीक है, अब वह स्लीपिंग ड्रेस है, उसको सवेरे उठते ही
स्नान करते ही खोल देना चाहिए। यशोदा से सीखना चाहिए। यशोदा क्या पहनी? यशोदा बहुत सुंदर रेशमी वस्त्र पहनी है। रेशमी वस्त्र पवित्र माना जाता है। रेशम कभी अपवित्र नहीं होता है, इसलिए नाइटी पहन के नहीं जाना चाहिए। क्या पहन के जाना चाहिए? साड़ी, कम से कम साड़ी, है ना, साड़ी पहन करके किचन जाना चाहिए। बहुत सुंदर रेशमी वस्त्र यशोदा ने धारण किया है अपने लाला के लिए, माखन जो बनाना है। यशोदा मैया पिछले दिन रात को एक बहुत बड़े मटके में दूध को जमा के रखी थी और आज दूध बिल्कुल जम गया है, बहुत सुंदर दही बन चुका है। अब पहले अभी के समय ग्राइंडर नहीं होता था, कर्र डाला और हो गया, नहीं। माखन बनाने की एक विधि होती थी, आप लोग जानते होंगे, क्या कहते थे उसको? मंथनी, मतनी कहते थे ना। और एक बांस होता है और एक उसमें नीचे कुछ लगा रहता है, उसमें रस्सी रहती, कर कर, और उसके नीचे वो मटका रख देते थे। हमने देखा है बचपन में, दादी कभी कभी किया करती थी। बाद में तो अभी सब लोग एकदम लेजी हो गए। पहले हमारे घर पे मुढ़ी बनता था तो दादी बनाती थी, चावल भूंजती थी, फिर उसको बनाती थी। फिर धीरे धीरे पता चला कि अब चावल भूंजा नहीं जाता, अब चावल बाजार से आता है और उसका मुढ़ी बनता है। फिर हमारे माताजी ने क्या किया कि अब मुढ़ी ही बाहर से खरीदना शुरू कर दिया। तो इस प्रकार से हम लोग लेजी होते जा रहे हैं, लेकिन नहीं होना चाहिए, ठीक है, सेवा करना चाहिए। तो एक पिलर के पास बैठ गई यशोदा, रस्सी को हाथ में ले ली और उसे खींचने लगी, उस मंथानी को घुमा रही है। दही माखन, दही से माखन बन रहा है। यशोदा मैया जीवन में प्रथम बार ये कार्य कर रही है। रानी है, सेवक ये कार्य किया करते थे, आज स्वयं प्रथम बार वो भी सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके वह कर रही है। अब यह भी हमारा धर्म है कि हम सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं। और स्त्रियों का एक विशेष धर्म है कि वह अपने बच्चे और पति से पहले जग जाए। अब बात आई है तो कह दूं, चाणक्य पंडित नीति शास्त्र में कहते हैं कि जो पति अपने पत्नी को सोते हुए देखता है उसे दुर्भाग्यशाली पति संसार में कोई नहीं है। आप लोग तो ऐसा नहीं करते होंगे, तो ध्यान रखना चाहिए। स्त्रियों को कभी भी पति के सामने नहीं सोना चाहिए, ठीक है? लेकिन प्रोजी फिर हमें सोना ही नहीं है, सोने के बाद सो, सोने से पहले, उठने से पहले उठ जाओ, और जब ऑफिस चल जाए तो फिर सो जाओ, कौन रोका है, सोते रहो दिन भर। कम से कम सामने तो नहीं सोना चाहिए। तो गृहिणी कहा गया यशोदा को। श्रील प्रभुपाद भागवत के प्रथम स्कंद में लिखते हैं कि कुछ लोग समझ रहे, मतलब गृहिणी जो गृह कार्य करे, अपने पति को प्रसन्न करे और साथ ही साथ भगवान की सेवा करे। तो एक गृहिणी को अपने गृह कार्य में ध्यान देना चाहिए। वही स्त्री सुखी हो सकती है जो अपने घर में आ सकते हैं, ध्यान रखिए। कभी किसी को, गृहिणी को घर छोड़ने का नाम नहीं लेना चाहिए, है ना। श्रील प्रभुपाद यहां तक लिखते हैं कि पत्नी को चाहिए कि अपने सामाजिक कार्य में भाग ले, है ना। आज का स्थिति क्या है कि आज तो दो दिन भक्ति में आते हैं और फिर समाज में जाना ही छोड़ देते हैं। नहीं, समाज में जाते रहना चाहिए। तो गृह में रहते हुए जो गृहस्थ हैं उनको भक्ति करने के लिए कहा जाता है। यशोदा मैया आज स्वयं गृह कार्य कर रही हैं और स्वयं माखन बनाने के लिए बैठी हैं और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जग चुकी हैं। 3 बजे यशोदा मैया जग गई, स्नान करके सभी सेवकों को सेवा में लगा दिया और सुंदर वस्त्र धारण करके भगवान की सेवा कर रही है। बहुत बड़ी मटकी थी, मंथानी थी और उससे रस्सी खींच रही थी। दही से माखन बन रहा है। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, यानी यानी ही गीतानी तत्बाल चरितानी च दधि निर्ममंथने काले
स्मरन्ति तानि अगायत। ठीक, भगवान के लिए यशोदा जब सेवा कर रही थी तो कहते हैं उस समय यशोदा भगवान का गीत गा रही थी। क्या क्या यानी यानी ही गीतानी अद्भुत यशोदा मैया के हाथ ऐसे हिल रहे थे कि उनके हाथ चूड़ी है ना एक दूसरे से क्या हो रहे थे घर्षण हो रहे थे जिससे बज रहे थे। थोड़ा सा यशोदा मैया के हाथ में जो चूड़ियां थी घिसने के कारण एक दूसरे से लग रहे थे और वह बज रही थी। यशोदा मैया के हाथ की चूड़ी करताल का काम कर रहा था और मंजीरा का काम कर रहा था और जो मंथानी है ना वो घर घर तबले का काम कर रहा था। यहाँ तो तबला बजाने के लिए उपेंद्र कृष्ण प्रभु को बिठाया गया है, वहां पर यशोदा देवी बना रहे थे तबला बज रहा था है ना, और भगवान का गीत गा रहे थे। ध्यान रखना चाहिए कि जब हम प्रसाद बनाएं तो फोन लेकर के माई के बात ना करें और कैसन बा नहीं करने की आवश्यकता है। अरे फलाना ऐसा कर दिया, अरे जानती हो ऐसा हो गया, तुमको साड़ी मिला क्या दिवाली में, तो ये सब नहीं करते हुए क्या करना चाहिए, एक छोटा सा स्पीकर ले लीजिए और उसमें या तो प्रभुपाद जी का कीर्तन चला दीजिए या फिर गुरु महाराज का कथा चला दीजिए है ना। ध्यान रखना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए कि हम सबसे कथा नहीं सुने, जो मतलब हम बस बहुत सारे लोग आते हैं जो YouTube पे कथा करते हैं या फिर TV पे कथा करते हैं, प्रमाणिक भक्तों से हमें कथा सुननी चाहिए जैसे श्रील प्रभुपाद गुरु महाराज, तो इनसे कथा सुननी चाहिए। अगर आप इनसे कथा सुनेंगे तो हृदय शुद्ध हो जाएगा और प्रमाणिक ज्ञान मिलेगा, समझ रहे हैं। इसीलिए मैं किसी का क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं कि भाई वो खराब बोल रहा है, मैं प्रमाणिक बात करता हूं है ना, जहां से प्रूफ मिले। तो गुरु महाराज तो बहुत सुंदर आप जानते ही हैं किस प्रकार से एक एक श्लोक का बताते हैं, हम लोग तो प्रयास करते हैं कुछ करने का संभव नहीं हो पाता है, तो उनसे सुनना चाहिए। गुरु महाराज के ऑडियोज अवेलेबल हैं, अगर आपके पास ना हो तो मेरे पास से ले लीजिएगा, 200 GB की कथा है मेरे पास, जिसको चाहिए आकर के ले लीजिएगा, सुनते रहिए, बहुत अद्भुत बहुत अद्भुत। तो उसको खाना बनाते वक्त चला देना चाहिए और सुनते रहना चाहिए, ठीक है। और नहीं तो फिर इधर उधर सुनेंगे तो फिर वही वो लोग बोलेंगे कि कोई जरूरी नहीं है कि भगवान के सामने ले जाकर के आप रखिए तभी भोग लगेगा, खाना बना रहे हैं और बोल दीजिए भगवान खा लीजिए तो हो गया, वो भी भोग लग जाएगा, ऐसा नहीं होगा, समझ रहे हैं। एक व्यक्ति बंगाल में मुढ़ी खा रहा था, नाव में जा रहा था गंगा देवी में, तो मुढ़ी उड़ गया उसका, बोलते गोपाल भोग गोपाल भोग गोपाल भोग, मतलब गोपाल जी आपको समर्पित कर दिया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, भगवान को समर्पित करने की विधि है और उसी अनुसार से हमें समर्पित करना चाहिए है ना। तो बहुत सुंदर यशोदा देवी कीर्तन कर रही है और कीर्तन करते भगवान के लिए, और आप विश्वास करिए, आप कीर्तन सुनते हुए महाराज का कथा सुनते हुए आप प्रसाद बनाइए तो आपकी जो चेतना होगी ना कृष्ण कॉन्शियसनेस होगा, ध्यान रखिएगा, वो प्रसाद कृष्ण बहुत प्रेम से ग्रहण करेंगे और बनाने के बाद आप खुद उसमें वो चीज महसूस कर पाएंगे, ध्यान रखिएगा, उसमें वो भाव होगा कि हम कृष्ण के लिए मना रहे हैं। लेकिन अगर मायके गप करेंगे फोन लगा करके तो ध्यान रहेगा मायके में क्या हो रहा है, तो फिर वो चेतना नहीं आए, इसलिए कभी भी बनाते वक्त नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार से भगवान के लिए सेवा कर रहे हैं, भगवान का नाम ले रही है। ध्यान रखिए कृष्ण कभी भी अपने कर्म को छोड़ने के लिए नहीं कह रहे हैं, आप जहां हैं वहीं पे रहिए। चैतन्य महाप्रभु का स्थान है स्थित श्रुति, क्या कहते हैं, श्रुति गताम तनु वाक मनो भी। आप जिस ऑफिस में हो, जिस कार्यालय में हो, जो कार्य कर रहे हो, जिस आश्रम में है वहीं रहिए, स्थानीय स्थित कर्म से
या भगवान जिस स्थान पे रखें उसी स्थान पर रहिए और अपना काम करते हुए भगवान के नाम का कीर्तन करिए। बस कार्य को बदल देना है, कार्य को नहीं बदलना है, भाव को बदल देना है। पहले खाना अपने लिए बना रहे थे, अब कृष्ण के लिए बना रहे हैं। पहले सवेरे सवेरे स्नान अपने लिए कर रहे थे कि शरीर शुद्ध होगा, ऑफिस जाना पड़ेगा, अब मंगला आरती जाना है, जप करना है। पहले सोते थे कि आराम हो जाएगा शरीर को, अब जल्दी सोएंगे ताकि सवेरे मंगला आरती में। सोना भी भक्ति हो रहा है, आप देख रहे हैं। अगर आप सो रहे हैं तो भी भक्ति हो रहा है, हो रहा है कि नहीं? क्योंकि भाव क्या है वहां पर, क्या भाव है? सोएंगे तो फिर मंगला आरती जाएंगे, तो वहां भाव ये है। चैतन्य महाप्रभु को सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी कहे कि महाराज हम लोग यहाँ पे कौन सा साकिर ने, क्या नाम था, मुश्किल से मुस्लिम के इधर काम करते थे, हम लोग नौकरी छोड़ना चाहते हैं। महाप्रभु ने कहा कि नहीं छोड़ना है, नहीं नहीं, साकर मलिक, साकर मलिक, तो उनके इधर काम करो, छोड़ो। मैंने भी कुछ दिन पहले परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज से कहा तो महाराज कहे यही उदाहरण दिए कि सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी भी छोड़ना चाह रहे थे। चैतन्य महाप्रभु कहे कि करते रहिए, करते रहिए, ठीक है महाराज, समझ रहे हैं। वृंदावन चंद महाराज से ऐसी बात हो रही है तो मैंने मन की बात कही कि महाराज ऐसी इच्छा हो रही है, महाराज कहे नहीं करते रहिए, ठीक। तो बस कार्य को नहीं, कार्य को नहीं बदलना है, भाव बदल देना है। पहले भी पैसा कमा रहे थे, क्यों? बीबी बच्चे के लिए, अब थोड़ा सा भगवान के लिए भी। हर एक कार्य में क्या करना है, भगवान को जोड़ देना। जीवन में कर्म करते हुए ध्यान रखें, मनुष्य हैं तो कर्म करेंगे ही, उस कर्म में क्या करना है, कृष्ण को जोड़ देना है। भक्ति कोई दूसरी चीज नहीं है। किसी ने पूछा कि महाराज बताइए भक्ति कैसे किया जाए, तो भक्ति, थोड़ा बच्चे को शांत करिए। देखिए बच्चे, भक्ति करना कोई बहुत बड़ा कार्य नहीं है। उसने, उन साधु ने बहुत सुंदर बात पूछा कि बताओ आपके इधर कितने लोग हैं? बोले महाराज मेरे इधर 3 लोग हैं, मैं, मेरी पत्नी और मेरा बच्चा। बोले कल से 4 मान लेना, हो गई भक्ति। 3 के लिए समय देते थे, चौथे को भी समय दो। अब समझ रहे हैं मेरी बात को? 3 को समय दे रहे थे, चौथे को भी समय दो। 3 के लिए कपड़े ले रहे थे, चौथे के लिए भी कपड़े लो। 3 के लिए खाना बना रहे थे, चौथे के लिए भी खाना बनाओ। बस भक्ति हो गई। हम लोग क्या करते हैं कि पूजा को ही भक्ति मान लेते हैं। ध्यान रखिए, पूजा और भक्ति टोटली एक दूसरे के विरुद्ध है। पूजा भक्ति नहीं है। आपको लगता होगा कि हम लोग बैठ गए, थोड़ा सा कर लिए, ना, पूजा भक्ति नहीं है। ध्यान रखिएगा, हम लोग कहते हैं भक्ति करने के लिए तो लोग कहते हैं कि भाई हम लोग भी तो भक्ति करते हैं, सवेरे उठ करके दिखाते हैं भगवान को अगरबत्ती, ठीक है, वह पूजा है, वह भक्ति नहीं है। ध्यान रखिए, पूजा जो है सो 2 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा का कार्य है, और भक्ति जो है सो 24 घंटे का कार्य है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? भक्ति जो है सो 24 घंटे का कार्य है। ऐसा नहीं है कि तुरंत भक्ति, ना, पूजा और भक्ति में बहुत बड़ा अंतर है। पूजा उपासना ये दो घंटा, 10 मिनट या 1 दिन का कार्य है, लेकिन भक्ति लाइफ टाइम और 2400 घंटा का कार्य है। भक्ति एक संबंध का कार्य है, जिनसे हो गया वो भगवान और जो कर रहा है वो भक्त, और बीच की, बीच का जो रिश्ता है सो भक्ति। समझ रहे हैं? प्रेम, एक प्रेम है, जैसे माता अपने पुत्र से करता है, जैसे पिता अपने पुत्र से करता है, एक पति अपने पत्नी से, पत्नी पति से करता है। अब वह ध्यान रखता है, मान लीजिए कोई 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 लड़का किसी लड़की से प्रेम कर रहा है और प्रेम करने के बाद विवाह हो जाता है, तो विवाह होने के बाद वह अपने जीवन के हर एक क्रिया में अपनी पत्नी का स्मरण रखता है, रखता है कि नहीं रखता है? उसका हर एक एक्शन उसको इफेक्ट करेगा, वह जो भी क्रिया करेगा वह कहीं ना कहीं वह लिंक होगा। क्या भाई मैं मेरी पत्नी के लिए साड़ी लूंगा अथवा ऑफिस जा रहा हूं, उसका भरण पोषण होगा, कहीं ना कहीं उसको इफेक्ट कर रहा है। तो ये है भक्ति, जो हर एक चीज कृष्ण के लिए इफेक्ट कर रहा है। ये बहुत जरूरी है, ये होना है ना। और कर्म तो हम रुक नहीं सकते, तो कर्म तो करते ही रहेंगे, बस उसमें करना क्या है, कृष्ण को जोड़ देना है।
इससे हमारे कर्म बंधन भी छूट जाएंगे और मरने के बाद भगवत धाम चले जाएंगे। इसलिए तो हमारे संतों ने भी कहा है, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम कहिए, जहि विधि राखे राम तहि विधि रहिए। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम कहिए, जहि विधि राखे राम तहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, और जिस जिस प्रकार भगवान रख रहे हैं उस तरह से क्या प्रॉब्लम क्या? अरे भगवान तो जो भगवान की भक्ति नहीं करता है उसका भी भरण पोषण करते हैं, तो आपका भरण पोषण नहीं करेंगे क्या? बताइए, करेंगे ना, क्यों नहीं करेंगे जी? भगवान के पर भरोसा तो रखें, करेंगे, निश्चित करेंगे। मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में, मुख में हो राम 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 सेवा हाथ में, मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में, मुख में हो राम 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 सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। का विधान जान हानि लाभ सही, चाहे विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। विधि का विधान जान हानि लाभ सही, चाहे विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। विधि का विधान जान हानि लाभ सही, चाहे विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। का विधान जान हानि लाभ सही, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, विधि राखे राम कहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम कहि विधि रहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा गाइए गाइए सब लोग, कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा यो कृष्णा हरे हरे, राम राम हरे हरे,
कृष्णा हरे कृष्णा 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 हर हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम तत्बाल चरितानि च दधि निर्ममंथने काले स्मरन्ति तानि अगाय यशोदा मैया दही से माखन बना रही है और कृष्ण के नाम का कीर्तन कर रही है। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, इस संसार में जिसका जीवन कृष्ण के लिए होता है, इस संसार में जो व्यक्ति कृष्ण के लिए काम करता है अथवा अपने काम को कृष्ण को अपने 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 काम करते हुए कृष्ण का नाम लेता है ना, भगवान उस भक्त पर परम प्रसन्न हो जाते हैं। आज यशोदा मैया कीर्तन करते हुए मंथानी को चला रही है। परिश्रम तो हो रहा था, पसीना भी छूट रहा था, लेकिन कीर्तन करने के कारण उसका एहसास नहीं हो रहा था। सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं, उस समय यशोदा के बालों में मालती के फूल लगे हुए थे और उस समय एक एक फूल यशोदा के चरणों में गिर गए। हरि सूरी जी बहुत सुंदर लिखते हैं कि आध्यात्मिक जगत के फूल भी सोचते हैं, चिन्मय होते हैं। अब देखिए कथा में रस तो अब आएगा जी, सुनिए क्या कहते हैं। कहते कि आध्यात्मिक जगत के फूल सोचते हैं, खैर आज तो मनुष्य भी नहीं सोचता है तो हमें विश्वास नहीं हो सकता है, लेकिन उस समय फूल भी सोचते थे। फूलों ने सोचा कि आज यशोदा कृष्ण के लिए कार्य कर रही है और कृष्ण के लिए कार्य करते हुए कृष्ण का नाम ले रही है, कृष्ण का संकीर्तन कर रही है। तो जो कृष्ण के लिए काम करता है और काम करते हुए साथ में कृष्ण का नाम लेता है, ऐसे व्यक्ति के मस्तक पर नहीं, ऐसे व्यक्ति के चरणों पर बैठना चाहिए। यह सोचकर सारे फूल एक एक करके चरणों में गिर गए। सत्य बात है, जिनका जीवन कृष्ण के लिए होता है ना, उनके मस्तक का नहीं, उनके चरणों का आश्रय लेना चाहिए। और यशोदा मैया के इस कर्म से भगवान प्रसन्न हो गए। यद्यपि कृष्णा अंतःपुर में सो रहे थे, लेकिन कृष्ण जग गए और बाल्य अवस्था में है, जगते ही माँ को ढूंढने लगे। माँ यशोदा को ढूंढते ढूंढते कृष्ण बाहर आए और उस समय माँ दही का मंथन कर रही थी, कीर्तन कर रही, आंखें बंद है और कृष्ण वहां पर पहुंच गए और कृष्ण ने अपना एक हाथ मंथानी के ऊपर रख दिया। यशोदा मैया जो मंथानी चला रही थी वह मंथानी रुक गई। यशोदा आंखें बंद करके कीर्तन कर रही थी, आंखें खुला देखा सामने मंथानी पकड़ करके लाला खड़ा है। हरि सूरी जी कहते हैं, मानो भगवान श्री कृष्ण यशोदा को कहना चाहते, माँ 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 अब तुझे ये करने की जरूरत नहीं है। यशोदा मंथन कर रही थी, कृष्ण कहना चाहते हैं कि माँ इस संसार में बड़े बड़े साधु संत महात्मा मुनि शास्त्रों का मंथन करते हैं, मालूम है क्यों? मुझे प्राप्त करने के लिए। भगवद गीता भागवतम वेद शास्त्र और ना जाने क्या क्या पढ़ते हैं, क्यों मुझे प्राप्त करने के लिए? मैं ही इस शास्त्र के मंथन का क्या हूं, फल हूं, अंत। तो मां जिस चीज के लिए मंथन किया जाता है ना,
वह फल तेरे सामने खड़ा है, अब तुझे मंथन करने की आवश्यकता नहीं है, बस इस फल को उठाओ और अपने गोद में रख लो, तुझे तेरे कर्म का फल मिल चुका है। माँ इस प्रकार कृष्ण को देखकर माँ यशोदा ने देखा कृष्ण एक हाथ से मंथनी पकड़कर खड़ी है, दूसरा हाथ यशोदा के कंधे पर और हाथ कंधे पर रख करके भगवान तुरंत यशोदा के गोद में चले गए। समझ गई यशोदा कि कृष्ण दूध पीना चाह रहे हैं, स्तनपान करना चाह रहे। सुखदेव जी कहते हैं उस समय कृष्ण आनंद लेने लगे और अपने बेटे को दूध पिलाते हुए यशोदा भी आनंद लेने लगी। पद्मगंध दोनों एक आनंद में विभोर हैं। ये दोनों आनंद ले रहे हैं और तीसरा जल रहा है। सुखदेव जी कहते हैं रसोई घर में दूध गर्म करने के लिए यशोदा ने चूल्हे पर रखा था, पद्मगंधा वही पद्मगंधा गाय का दूध चूल्हे पर गर्म करने के लिए रखा था ताकि गर्म करने के बाद कृष्ण को पिलाने के काम में आए, तो दूध वहां चूल्हे पर यशोदा भूल गई थी अपने बेटे को दूध पिलाने के लिए। और रसोई में रसोई के चूल्हे में जो दूध था वह उभर गया, उभरना समझते, उफन गया। उफनना क्या बोलते हैं उसको, बाहर निकल जाना, बाहर निकल गया, उछल गया। अब ये दूध क्यों उछले, इसके भी सिद्धांत बहुत अद्भुत अद्भुत। आवाज नहीं, शांति से सुनिए, ये कथा ऐसे हल्ला में सुनने वाली नहीं है, मारपीट नहीं करनी, इतना सुंदर तो कथा चल रही है हमारी, ने बैठने दीजिए बच्चों को। तो कहते हैं आचार्य घंटिका करते हैं कि आध्यात्मिक जगत के दूध भी सोचते हैं। दूध ने सोचा कि पिछले 1.5 घंटे से यहां पर चूल्हे पर बैठे बैठे अपने शरीर को तपा रहा हूं कि कृष्ण मेरी सेवा ग्रहण करे, लेकिन अब तो कृष्ण अपनी माँ के हृदय का दूध पी रहे हैं और इतना दूध पी रहे हैं, इतना आनंद ले रहे हैं कि अब मेरी सेवा ग्रहण नहीं करेंगे। बस दूध के मन में ये भावना हुई कि मैं इतनी तपस्या कर रहा हूँ, जल रहा हूँ और कृष्ण मेरी सेवा नहीं लेंगे। अब कृष्ण अगर सेवा मेरी ग्रहण नहीं करेंगे तो फिर इस शरीर का क्या यूज। जब ये संभ्रम हुआ दूध को तो बड़ा कष्ट हुआ, जब ये जीवन कृष्ण की सेवा में यदि ना लग सके तो ये जीवन क्या काम का, यह सोच करके दूध उफन गया कि आज मैं अपने जीवन को नष्ट कर दूंगा। जर जाय सजीवन जान की नाथ, जिया जग में तुम्हारे बिन होए। जान की नाथ राम, कृष्ण की सेवा में अगर यह जीवन काम ना आए तो जीवन की सार्थकता नहीं है। इस वाणी की सार्थकता फिल्म के गाने गाने में नहीं है, इधर उधर की बातें करने में नहीं है, वाणी की सार्थकता किसमें है, कृष्ण के नाम लेने में। ये कर ये हाथ मात्र घोड़े चिपिया घुमाने के लिए नहीं है या मोटर कार चलाने के लिए नहीं है, ये हाथ भगवान की सेवा के लिए है। ये हाथ की सार्थकता, ये हाथ भगवान के चरणों में जोड़ने के लिए, ये कान की सार्थकता फिल्म के गाने सुनने में नहीं, कथा सुनने में। और जब ये इंद्रियां ये सारा कार्य कर रहे हो ना, तो समझो कि आपका जीवन सफल है, और नहीं तो आप करोड़ों के इमारत में रह रहे हो, आप हारे हुए हो अगर भगवान की भक्ति नहीं कर, बर्बाद हो जाओगे 60-70 साल के बाद, कोई याद नहीं करने वाला है। और यहां तो 60-70 साल ही रहना है जी, इसके बाद करोड़ों करोड़ों लंबी जिंदगी एक पड़ी हुई है, ध्यान रखना, करोड़ों वर्षों की एक लंबी जिंदगी पड़ी हुई है। यहाँ सोचते हैं हम डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, और उसके बाद क्या क्या, उसके बाद कुछ भी नहीं। छठे स्कंद में कथा आती है वित्रासुर की, इंद्र के साथ युद्ध हुआ, वित्रासुर इंद्र के सामने खड़ा था और इंद्र स्वर्ग लेना चाहता था, और इंद्र के मन में हुआ कि ये वित्रासुर भी स्वर्ग लेना चाहता है, असुर था वित्रासुर, लेकिन इंद्र को कहा इंद्र स्वर्ग जाइए ले लो,
उठाओ वज्र और मुझे मार दो, मेरा मस्तक काट दो, मरने के लिए तैयार हूँ। लेकिन इंद्र डर गया, बोले मैं वज्र चलाऊं और इसके पर छोड़ूं, अगर ये वज्र से मुझे ही मार दे तो। वित्रासुर हृदय से बोल रहा था, इंद्र स्वर्ग चाहिए तो ले लो, मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, ले लो। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि वित्रासुर का मन भगवान में लग गया, पता भक्त भगवान में लग गया। अहम हरे तो पादे कमूलम दाशानुदासो भवितास्मि भूया मनास्मरेत्सु पते गुणानस्ते गृणीत्वा कर्म करोतु काया। तुझे क्या लगता है इंद्र, तू मुझे मार कर जीत जाएगा? इंद्र तू मुझे मार भी देगा ना? और इंद्र मैं मर भी जाऊंगा, मैं मर करके भी जीत जाऊंगा इंद्र, और तुम जीत करके भी हार जाओगे, क्योंकि क्योंकि तुम मुझे मार दोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा? स्वर्ग तेतम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम बिना विशालम छिने पुण्य मृत्यु लोकम विशन्ति। क्या मिलेगा तुझे स्वर्ग, जो बहुत बड़ा विशाल है, जो बहुत सुख से युक्त है, वह स्वर्ग। मुझे मार करके वह सुख तुम्हें मिलेगा, लेकिन तुम्हें पता है ना कि तुम्हारा पुण्य एक दिन छिन्न होगा, और तुम छिने पुण्य मृत्यु लोकम विशन्ति, तुम यहाँ से पुनः पृथ्वी लोक पर चले जाओगे। लेकिन हे इंद्र, मेरा मन भगवान में लग गया है, तुम मुझे मार दोगे तो मैं भगवान के चरणों को प्राप्त कर जाऊंगा और भगवत धाम चला जाऊंगा। इंद्र ये है संसार में जो व्यक्ति अपना अपना मन राम और कृष्ण की सेवा में लगा देता है ना, वह मर करके भी अमर है। इसलिए वास्तव में यदि जीना चाहते हैं भगवान के लिए जीना चाहिए। अपने लिए तो ये कुत्ते बिल्ली भी जीते हैं, पशु पक्षी भी जीते हैं। ध्यान रखिए, जो दूसरों के लिए जीता है ना, ये देश ये समाज उसे साधु का विरुद्ध देता है। कागभूषणी जी कहते हैं ना, पर उपकार वचन मन काया, पर उपकार वचन मन काया, संत सुभाव सहज खगराया। जो अपने मन से, अपने वचन और अपने इंद्रिय से दूसरों के लिए उपकार करते ना, उसे साधु कहा जाता है। और जरूरी नहीं है कि साधु हमेशा धोती कुर्ता में हो, साधु पैंट शर्ट में भी हो सकता है। तो जीवन भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुचते, ये इंद्रियां, ये शरीर, जीवन हमें भगवान के द्वारा मिला है और उसे भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। बस दूध के मन में ये भावना हुई कि मैं इस तपस्या कर रहा हूं, जल रहा हूं, कृष्ण मेरी सेवा लेंगे, लेकिन अब कृष्ण मेरी सेवा ग्रहण नहीं करेंगे, ये जैसे ही संभ्रम दूध को हुआ, बड़ा कष्ट हुआ, हृदय दुख लाता। जीवन कृष्ण की सेवा में यदि ना लग सके तो फिर ये जीवन क्या काम का, यह सोच करके दूध उफन गया, अपने जीवन को ही नष्ट कर दूंगा, बर्बाद कर दूंगा, ये शरीर धारण करने योग्य नहीं है। दूध उफन गया, आत्महत्या करने के लिए तैयार हो गया। लेकिन जैसे ही दूध उस पात्र से निकला तो आवाज आई, छन आती है ना, करता है ना ऐसा आवाज, यशोदा तुरंत चमक गई। कब देखा होगा माताजी लोग बाहर कुछ काम कर रही होती है और दूध पर तड़ात एकदम छटपटा के जाती है और दूध जा करके बंद करती है। तो यशोदा ने सोचा कि अरे चूल्हे का दूध उबर आया, मेरे स्तन का दूध तो स्तन में ही रहेगा, उस दूध को बचाने की आवश्यकता है। तुरंत यशोदा कृष्ण को कुछ भी नहीं देखी, कृष्ण को उठाया और उठा करके नीचे पटक दिया और चली गई दूध उतारने के लिए। यशोदा दूध को तो बचा ली, लेकिन यशोदा कृष्ण के क्रोध को नहीं बचा पाई। कृष्ण बड़े प्रेम से यशोदा का दूध पी रहे थे, लेकिन छोड़कर जब चली गई ना, तब बड़ा क्रोध आया कृष्ण को। ये लो, इसके घर पे मेरी कोई वैल्यू ही नहीं, अखिल ब्रह्मांड नायक पर ब्रह्म
इतने बड़े ऐश्वर्य को वैकुंठ को छोड़ करके इसके घर पे आया हूँ और ये 40 रुपए लीटर दूध के लिए मुझे छोड़ करके चले गए। कृष्ण को बहुत क्रोध आया। उसमें कहते हैं कृष्ण ने अपने दांत से ओंठ को दबा लिया, इतना क्रोध आया। क्या करूं क्या करूं, बोले सुबह से इस मटके पे मेहनत कर रही है। कृष्ण की नजर ऊपर टंगी हुई मटकी पर गई। बाजू में एक पत्थर पड़ा था, उस पत्थर को उठा करके कृष्ण उस मटके को क्या किए, फोड़ दिए। और उस मटके को जब फोड़ा तो उस मटके से दूध दही माखन जो भी था सब बहने लगा। मटका बहुत बड़ा था और जब बहने लगा तब कृष्ण को भयंकरता का एहसास हुआ। अरे बाप रे बाप, क्या कर दिए हम, समझ रहे क्या कर दिए, इसका एहसास हुआ। अब गलती तो हो गई लेकिन अब करें तो क्या करें, भागे तो कहां भागे, जाए तो कहां जाए, क्या करें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भगवान को कहां जाए, अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। कृष्ण को कहां छिपे, मैया आएगी देखेगी डांटेगी भी साथ साथ, हो सकता है कूट भी दे पकड़ के। तो अब तो भागना पड़ेगा ना, कहां भागू कहां छिपू। सुखदेव जी कहते हैं दो कदम में पूरे ब्रह्मांड को नापने वाले भगवान आज सोच रहे हैं कहां भागू कहां भागू। कितना 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 माधुर्य है इन लीलाओं में, थोड़ा विचार करिए। सर्वसमर्थ है प्रभु लेकिन फिर भी सोच रहे हैं एक माता के डर से कि कहां कहां जाकर के छिप जाऊं कि यशोदा से बच जाऊं, पकड़ नहीं पाएगी। भाग रहे हैं भाग रहे हैं और भागने लगे तो वही बटर के ऊपर मक्खन के ऊपर भागने लगे। अब जब भागने लगे तो मक्खन तो आज का मक्खन जैसा तो था नहीं, पहले का मक्खन अच्छा होता था शुद्ध होता था, तो जो उसके ऊपर पांव डाल रहे थे तो भगवान के पांव के निशान, समझ रहे ना, टाइट मक्खन हो अगर उसके ऊपर चले तो पांव का निशान बनेगा ना। तो भगवान चल रहे हैं और उसका निशान बन रहा है, एकदम क्लियर दिखाई दे रहा है। और जा करके पर्दे के पीछे छिप गए। ये सोचे कि छिप गया हूं अब मुझे नहीं पकड़ पाएंगे। और वहीं पे कुछ जो माखन इत्यादि पुरो के रखे हुए थे उसको खाने लगे। यशोदा दूध को बचा करके बाहर आई तो देखा दूध का मटका फटा हुआ है। पहले तो हंसी आई कि लड़का है तो बुद्धिमान, क्योंकि मटका जो फूटा था बिल्कुल बीच में फूटा था, थोड़ी सी भी उसमें दही और माखन नहीं बचा था। बहुत बुद्धिमान लड़का है, थोड़ा बहुत ऊपर से फोड़ा होता तो कुछ बच भी जाता। बुद्धिमान तो है लेकिन काम इसने किया है गलत। अब तक जो गोपियों का शिकायत आता था आज वह कन्फर्म हो गया। आज जब घर का मटका फोड़ा तो समझ गए कि जब घर में अपना अपने घर का मटका फोड़ सकता है तो दूसरे के घर पे ये क्या नहीं करता होगा। बोले अब मुझे इसको सबक सिखाना पड़ेगा। तुरंत यशोदा ने अपने हाथ से छड़ी ले ली, कृष्ण को ढूंढने लगी। कृष्ण वहीं पर्दे के पीछे उखल के ऊपर कृष्ण छिप गए थे। जैसे ही पर्दा हटाया अब वहां पर्दे के पीछे भी छुप करके क्या कर रहे थे भगवान, जो बासी माखन थे उसे खाने लगे। बोले माखन के लिए मेहनत कर रही हो ना, यही माखन खाऊंगा, अब बासी माखन खाऊंगा, इसे खा करके बीमार हो जाऊंगा, फिर तुमको मुझे लेकर के जाना पड़ेगा मथुरा का हॉस्पिटल, तब तुमको लगेगा। है ना, कृष्ण पर्दे के पीछे उखल के पीछे छिप गए हैं और देवी यशोदा धीरे 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 करके आ रहे हैं, कर धीरे धीरे करके आ रही है, आ रही है, आ रही है। और जैसे ही पर्दा उठाया कृष्ण उखल से कूद गए और उखल से कूद करके कृष्ण भागने लगे। कृष्ण आगे आगे, यशोदा पीछे पीछे, घर की कलियों में कृष्ण भाग रहे हैं, निकल के भाग रहे हैं धीरे धीरे करके। यशोदा पीछे पीछे भाग रही है, कृष्ण आगे आगे भाग रहे हैं। यशोदा और कृष्ण के बीच में केवल एक हाथ का अंतर, ये पकड़ में आया, ये पकड़ में आया, ये पकड़ में आया। छोटे छोटे पांव हैं भगवान के और छोटे छोटे पांव से थप 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 करते हुए भगवान चल रहे हैं। छोटे छोटे चरण हैं, कृष्ण दौड़ रहे हैं। यशोदा का मोटा शरीर है, बिल्कुल थक गई है, बाल बिखर रहे हैं, पसीने से लथपथ है। कृष्ण आगे आगे भाग रहे हैं, यशोदा पीछे पीछे देखते भागते भागते देख रहे हैं कि मुझे पकड़ते नहीं लेगी, मेरे नजदीक तो नहीं आ गई।
भगवान आगे आगे यशोदा पीछे पीछे। जब माँ कृष्ण के पीछे बहुत दौड़ी बहुत दौड़ी बहुत दौड़ी, कृष्ण ने देखा कि बहुत दौड़ने का प्रयास कर रही है, बहुत पकड़ने का प्रयास कर रही है। उस समय कृष्ण की गति धीमी हुई, यशोदा की गति तेज हुई और एक झटके में यशोदा ने कृष्ण को पकड़ लिया और पकड़ते ही कृष्ण की अद्भुत छवि हो गई, अद्भुत छवि। और पकड़ते ही यशोदा ने क्या किया, कृष्ण को जैसे ही छड़ी दिखाई तो कृष्ण रोने लगे। जैसे ही कृष्ण को पकड़ लिया, कृष्ण की अद्भुत छवि हो गई और वही छवि सत्यव्रत मुनि अपने दामोदर अष्टकम में लिख दिए। क्या, नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम, नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम, नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम, लसत्कुण्डलम गोकुले व्रजमानम, लसत्कुण्डलम गोकुले व्रजमानम, यशोदा वियोलु कलाधवमानम, यशोदा वियोलु परामृष्टम अत्यंत तो द्रुत गोप्या, परामृष्टम अत्यंत तो द्रुत गोप्या, परामृष्टम अत्यंत तो द्रुत गोप्या, परामृष्टम अत्यंत तो द्रुत गोप्या। तो ये सत्यव्रत मुनि के द्वारा दामोदरस्त्र, जैसे भगवान अनंत है भगवान अनादि है, वैसे ये दामोदर स्रोत भी अनादि है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि सत्यव्रत मुनि ने इसको लिखा है, सत्यव्रत मुनि ने इसको प्रकट किया है। जब से ये भगवान है तब से ये दामोदर अष्टकम है। जैसे भगवान अनित्य है नित्य है, वैसे ये दामोदर अष्टकम भी अनित्य है नित्य है। इस दामोदर अष्टकम के विषय में श्री सनातन गोस्वामी लिखते हैं, कार्तिक महीने में कोई व्यक्ति दामोदर अष्टकम गाता है और भगवान को दीप बताता है ना, भगवान को दीप दिखाता है, तो वह भगवान का प्रिय बन जाता है। पद्म पुराण के अनुसार मैं आपके लिए कह दूं, क्या हो रहा है, पद्म पुराण के अनुसार से नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम, नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम, बहुत अद्भुत स्तुत। पद्म पुराण में ऐसा वर्णन है, आपके लिए कह दूं, द्वारका नगरी में भगवान अपनी पत्नी सत्यभामा के साथ बैठी थी और सत्यभामा ने कहा, प्रभु प्रभु पूर्व जन्म में मैंने ऐसा कौन सा कार्य किया था जिससे मुझे आज आपकी पत्नी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। उस समय कृष्ण कहते हैं, सत्यभामा पूर्व जन्म में तुमने प्रतिदिन दामोदर अष्टकम का गान किया था और मुझे दीप दिखाया था, इस कारण से तुम्हें इस जीवन में मेरी पत्नी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम, नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम, लसत्कुण्डलम गोकुले व्रजमानम, लसत्कुण्डलम गोकुले व्रजमानम, यशोदा वियोलु कलाधवमानम, यशोदा वियोलु कलाधवमानम, यशोदा वियोलु कलाधवमानम, यशोदा वियोलु कलाधवमानम, परामृष्टम अत्यंत तो द्रुत गोप्या, परामृष्टम अत्यंत तो द्रुत गोप्या। बहुत सुंदर स्त्रोत है। इस स्त्रोत को लिखने से पहले
कौन फीडबैक दे रहा है लेकिन बहुत सुंदर स्त्रोत है। इस स्त्रोत को लिखने से पहले प्रथम सद्य में सत्व्रत मुनि लिखते नमामि। हे प्रभु, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। मानो नमामि शब्द के द्वारा भगवान को नमस्कार कर दिए, मंगलाचरण कर दिए। अब मानो सत्व्रत मुनि से पूछा जाए कि आप किनको नमस्कार कर रहे हो, आप नमामि स्वरम कह रहे हो, किनको नमस्कार कर रहे हो? सत्व्रत मुनि कहते सच्चिदानंद रूपम, जो सत चित और आनंद के स्वरूप हैं, और इतना ही नहीं जो साक्षात ईश्वर है। मानो ये नमामि शब्द के द्वारा सत्व्रत मुनि सावधान करते हो, लीला बोलने से पहले, स्त्रोत लिखने से पहले मानो सत्व्रत मुनि नमामि शब्द के द्वारा सभी को सावधान कर रहे हैं, अवगत करा रहे हैं, सावधान करा रहे हैं कि ध्यान रही, ध्यान रखिए, जिसकी लीला सुनाने जा रहा हूँ, जिसकी लीला गाने जा रहा हूँ, वह कौन है? अखिल ब्रह्मांड नायक ईश्वर है, वह साक्षात भगवान है। अब लीला कुछ ऐसी है कि समझ में नहीं आएगी, क्यों? इस लीला में भगवान कभी रोएंगे, कभी धोएंगे, बहुत कुछ करेंगे, कभी भागेंगे, लेकिन पहले ही अद्भुत करा रहे हैं कि अद्भुत लीला है, इसलिए सावधान रहिएगा। नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम, नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम, नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम, लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमाना, लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमाना, यशोदा भियोलु खलाधवमाना, यशोदा भियोलु खलाधवमाना, यशोदा भियोलु खलाधवमाना, यशोदा भियोलु खलाधवमाना, परामृष्टम अत्यंत तो द्रुत्य गोप्या, परामृष्टम अत्यंत तो द्रुत्य गोप्या। कृष्ण गोकुल की गलियों में भाग रहे हैं और कृष्ण से तेज दौड़ करके यशोदा ने उनको पकड़ लिया है। अब जैसे ही यशोदा ने पकड़ लिया, यशोदा के हाथ में छड़ी को देख करके कि यशोदा मुझे मार देगी, कृष्ण को ऐसा संभ्रम हुआ। यशोदा के हाथ में छड़ी को देख करके भगवान रोने लगे, सोचे कितना माधुर्य छुपा है, हिरण्यकश्यपु को फाड़ने वाला, 21 बार पृथ्वी को नक्षत्रिय करने वाले, 2 कदम में पूरे ब्रह्मांड को नापने वाला, बड़ा अवतार लेकर के हिरण्याक्ष को मारने वाले, इतने इतने पराक्रम है प्रभु, लेकिन मैया के सामने छोटे बालक की तरह रो रहे। और कृष्ण मैया के हाथ में छड़ी देख करके रोने लगे। भगवान जब रो रहे थे तो कैसे दिख रहे? सत्व्रत मुनि अद्भुत वर्णन करते हैं, क्या कहते हैं? रुदंत मुहुर नेत्र युग्म मृजंता, 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 करांभुज युग्मेन सातंक नेत्रम, करांभुज युग्मेन सातंक नेत्रम, करांभुज युग्मेन सातंक नेत्रम, करांभुज युग्मेन सातंक नेत्रम, मुह श्वास कंप त्रिरेखांक कंठ, 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 इष्टग्रीव दामोदरं भक्ति भद्रम, इष्टग्रीव दामोदरं भक्ति भद्रम, इष्टग्रीव दामोदरं भक्ति भद्रम, इष्टग्रीव दामोदरं भक्ति भद्रम। यशोदा के हाथ में छड़ी देख करके रुदंतम, रुदंतम मतलब
कृष्ण रोने लगे, रुदंतम मुहुर नेत्रम, और बार बार अपने नेत्रों को मसलने लगे। युग्मम रिजंतम, अपने दोनों आंखों को करामभोज दोनों हाथों से मसलने लगे। और दोनों नेत्रों को मसलने के कारण यशोदा मैया ने जो काजल लगाई है वो काजल पूरे आंखों में बिखर रही है। आपने देखा होगा बच्चे को कभी काजल लगाया जाता है और अगर वह रोता है तो वह काजल क्या होता है, पूरे फेस में फैल जाता है, आंखों में बिखर रही है। और आज लाला को इतना रोना आ रहा है, इतना रोना आ रहा है, कहते हैं मुंह श्वास कंप। छोटे छोटे बच्चे जब रोते हैं तो उसकी सांस चढ़ जाती है, आता है ना, सांस चढ़ जाती है। तो कान्हा को इतना रोना आ रहा है, इतना रोना आ रहा है कि सांस चढ़ रही है। आज लाला को बहुत रोना आ रहा है। हरे कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे। इतना रोना आ रहा है, सांस चढ़ गए। अब रोना इस बात का आ रहा था कि मेरी माँ जो मेरा लालन पालन करती थी, मुझे दूध पिलाती थी, आज हाथ में छड़ी देखकर संभ्रम हो रहा है कि क्या आज से हमारा संबंध टूट गया, आज से मुझे प्रेम नहीं करेगी, आज से हमारा संबंध खत्म हो गया क्या, इसलिए रोने आ रहा। तो सांस चढ़ रहे थे और सांस चढ़ने के लिए, सांस चढ़ने में कृष्ण के गले में तीन रेखाएं हैं, जैसे शंख में रेखा होती है वैसे ही भगवान के गले में तीन रेखाएं हैं। तो गले में ये रेखा भी सुंदरता का प्रतीक है। कुछ लोगों को गला होता ही नहीं है और होता भी है कुछ लोगों को तो एकदम मोर की तरह लंबा, लेकिन गला होना भी कृष्ण, कृष्ण का भी गला बहुत सुंदर है। तो उस समय सांस चढ़ने के कारण गले में जो रेखाएं थी वह ऊपर नीचे होने लगी, अद्भुत सुंदरता थी। और स्थिता ग्रेवदामो दरम भक्ति बद्यम, यशोदा कृष्ण को पकड़ लिए, कृष्ण को रोते हुए देख करके यशोदा ने अपने हाथों से छड़ी को फेंक दिया और बोले छड़ी देख करके रो रहा है। वास्तव में यशोदा कृष्ण को मारने के लिए छड़ी नहीं पकड़ी थी, डराने के लिए, धमकाने के लिए। बच्चों को कभी मारना नहीं चाहिए, शास्त्र का सिद्धांत है। बच्चों को जितना मारोगे उतना वह बिगड़ेगा, खूंखार बन जाएगा बाद में। आप कहेंगे मारूंगी तो बोलेगा मारो मुझे क्या है, इसे नहीं मारना चाहिए, केवल डराना धमकाना चाहिए, नहीं तो फिर आतंकवादी बन जाएगा। मारो क्या दिक्कत है मुझे। तो छड़ी फेंक दी। कृष्ण कृष्ण तूने ही सबके नाक पे दम करके रखा है, आज तूने मटका फोड़ा है, तुझे मैं दंड दे करके रहूंगी और तेरे साथ उखल भी तेरा पार्टनर है ना हर एक कार्य में, आज उखल को भी दंड दोगे। उखल के साथ कृष्ण के हाथ को पकड़कर अंतःपुर में ले गई और यशोदा के बाजू में कुछ रस्सी पड़ी हुई थी उसे उठा करके कृष्ण को उखल से बांधने का प्रयास करने लगे। अब जैसे ही उखल के साथ बांधी तो वह रस्सी जो थी दो उंगली कम पड़ गई। अपनी दासियों को कहा कि जाओ घर में जितनी रस्सियां हैं पंचायत घर में करना है बाबा। हरी हरी। बोले तुम चुप रहो, क्षमा चाहूंगा, बोले तुम जाओ और लेकर के आओ और रस्सियां लेकर के आओ। तो जितने भी घर में रस्सियां थे उन सारी रस्सियों को ले आया, कृष्ण को बांधने का प्रयास किया, कृष्ण बांधे नहीं। बोले ठीक है आजू बाजू वाले की रस्सियां ले आओ। आजू बाजू के सब की रस्सियां ले आए लेकिन कृष्ण बांधे ही नहीं। बोले ठीक है गोकुल के बाजार में जितनी रस्सियां हैं ले आओ। सब रस्सियां ले आया गया लेकिन कृष्ण बांधे ही नहीं। गोपियों ने कहा, सखियों ने कहा कि यशोदा जी कृष्ण के नसीब में बंधना लिखा ही नहीं, आप छोड़ दो। पर तुम चुप रहो, तुम लोग ही कृष्ण को बिगाड़ के रखी हो। यशोदा बहुत प्रयास कर रही थी, मेहनत कर रही थी, भगवान कृष्ण खड़े खड़े देख रहे थे। यशोदा परेशान थी कि ये कैसे बंधेगा, ये कैसे बंधेगा, पसीने से लथपथ थी।
और जब भगवान ने बहुत परिश्रम करते हुए देखा, बहुत परिश्रम करते हुए देखा, तब भगवान ने अपनी कृपा शक्ति को प्रकट किया और भगवान बंध गए। श्री उखल बंधन लीला की, श्री दामोदर लीला की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण के, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रमानंदे हरि हरि वो। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। आरती कंप्लीटेड। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। समय थोड़ा ज़्यादा हो गया है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा कुछ, बहुत सी बातें हैं इस कथा के माध्यम से हम लोग सुने। अब पता नहीं आप लोग गौर किए कि नहीं किए, जैसे कि फूल भी सोच रहा है और दूध भी सोच रहा है, तो मन में आश्चर्य होता है कि ये फूल भी कब से सोचने लगे और दूध कब से सोचने लगा। जैसा कि प्रभु जी बताए कि दूध चूल्हे पर उबल रहा था, तो सोचने लगा कि जब हमारा हम कृष्ण की सेवा में नहीं आए तो फिर इस जीवन का मतलब क्या है। तो वास्तव में भगवान की लीला में जो भी चीज़ें प्रयुक्त होती हैं, चाहे वो फूल हो, दूध हो, या कोई भी वस्तु हो, सब चिन्मय होता है, सब में चेतना होती है, क्योंकि वो भौतिक जगत में नश्वर है, जड़ है। लेकिन वही वस्तु जब भगवान की सेवा में लग जाती है तो दिव्य हो जाती है, चिन्मय हो जाती है। तो फूल भी सोच रहा है, दूध भी सोच रहा है, और भी बहुत सारी शिक्षाएं, जैसा कि प्रथम श्लोक में प्रभु जी बताए, एकदा गृहदासीसु मैया जसोदा मक्खन निकाल रही है, और मक्खन निकालते हुए भगवान के गीतों को गुनगुना रही है। वास्तव में सच्ची कृष्ण भावना यही है। प्रभुपाद जी ने इस संस्था का नाम दिया अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ है। इतना लंबा नाम क्यों दिया? क्योंकि यह एक ऐसी संस्था है जिसके माध्यम से बताया जाता है कि हम अपनी भावना को, हम अपनी चेतना को कैसे कृष्ण भावना भावित बना सकते हैं। जैसे माँ यशोदा के लीला से हम लोगों ने सुना कि माँ घर के कार्यों को कर रही है, कृष्ण के लिए मक्खन बना रही है, तो हाथ भी लगा है भगवान की सेवा में, शरीर भी लगा है, मन भी लगा है, और बाणी से भगवान के गीतों को गा रही है, तो बाणी भी भगवान की सेवा में लगा हुआ है। तो ऐसे अगर हम भी अपने जीवन के कार्यों को करते हुए, कुंती महारानी कहती है कि सिड़वंती गायंती गृणंती अभिक्षासा, कोई व्यक्ति भगवान की लीलाओं को गाता है, सुनता है, और गाने सुनने के बाद गुनगुनाता है कि आज हमने क्या सुना, कैसे भगवान लीला कर रहे हैं, तो सच्ची कृष्ण भावना भावित यही है कि हम अपनी चेतना को कृष्ण में बनाकर कैसे रख सकते हैं। वरना क्या है, 2 घंटा 24 घंटा में 2 घंटा हम आए, 2 घंटा कथा सुने और 22 घंटा फालतू का प्रजल्प, तुरंत यहां से तुरंत आरती के बाद निकलेंगे और बेमतलब का, कोई स्वार्थ साधने वाला नहीं, प्रजल्प करना शुरू। कुछ लोगों की तो ऐसी आदत होती है कि कथा में बैठकर भी भागवत के दिव्य संदेशों को नहीं सुन सकते, कथा में बैठने के बाद ही बाद भी प्रजल्प ही संसार की ही चर्चा करेंगे। कैसे हमारी चेतना कृष्ण भावना भावित हो सकती है? ये सब जो लीला है, एक एक लीला, एक एक शब्द दिव्य संदेशों को उजागर करते हैं, और हम जैसे बद्ध जीवों को सिखाते हैं कि देखो
जैसे कि रेशमी वस्त्र पहनकर माँ मंथानी चला रही है और हम शिल्पी ड्रेस पहनकर किचन में घुस जाते हैं, तो बहुत ही सुंदर तरीका से आचार्यों की टीका से सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। तो हम प्रभु जी का हृदय से महामंत्र से निवेदन आभार व्यक्त करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और कल अपने म्यूजिशियन टीम जो हैं साज बाज वाले, इन लोगों से एक निवेदन करूंगा, आज्ञा तो नहीं कर सकता हूं, एक निवेदन करूंगा कि ये लोग समय से थोड़ा बैठे, क्योंकि दिन जल्दी शाम हो जा रही है। जलवैया से, खखड़ा से, सिंगवा से, मुजराड़ से आज भी माता जी लोग आई है कई एक जगह से, तो जाने में विलम्ब ना हो। तो अब म्यूजिशियन लोग एक बजे आते हैं, सवा एक डेढ़ बज जाता है सेटिंग करने में। मैं इनसे निवेदन करूंगा कि समय से बैठे ताकि कथा को समय से चालू किया जाए और समय से बंद किया जाए। अभी प्राय आरती करते करते, आरती लेते लेते थोड़ा समय ज़्यादा हो जाएगा, पैदल जाना है समय लग सकता है, इसलिए कल से थोड़ा इस पर अगर अच्छा लगे सुझाव तो अप्लाई कीजिएगा, अन्यथा ठीक है। अभी भागवत जी की आरती होगी और लय है, हाँ तो लाइए। चार भक्त हैं प्रभु जी, ओ जैसे पूतना राक्षसी भगवान को मारने के लिए आई थी और भगवान ने उन्हें परम पद माँ की गति दे दी, तो ऐसे भी बहुत पहले के हमारे एक मित्र हैं उस समय के कहेंगे लेकिन भक्ति में आने के बाद भी भगवान की भक्ति से जुड़े और उसी समय से ये भी जप करते हैं। और आज उनके भाई हैं, बड़े भाई और छोटे भाई, दोनों भाई ये लोग, हाँ उधर से आइए रामोदय जी, अभी आ जाइए दोनों लोग, और एक प्रभु जी है ना, ते लोग बगल के टोला पे रहते हैं और ये लोग का पेशा ही है मछली, लेकिन फिर भी प्रतिवर्ष हम ऑब्जर्व करते हैं कि प्रतिवर्ष यहाँ कथा में आते हैं और आज कथा का ऐसा प्रभाव कि इनके मन में भी चेतना हुई कि नहीं अब हम भी भगवान के नाम का जप करेंगे, ये अद्भुत कृपा है और यही इस कार्यक्रम की सफलता है। तो आइए आप लोग तीनों लोग, तो इनके छोटे भाई बड़े भाई हैं, इनका क्या नाम, आपका नाम क्या है प्रभु जी, नाम क्या है प्रभु जी आपका, नाम सुरेश चौधरी। तीन के लिए हम हरि बोल बोलेंगे, हरि बोल। और उनके छोटे भाई हैं रामोदेश चौधरी, तो इनके लिए भी हम हरि बोल बोलेंगे, हरि बोल। और इनका नाम क्या है, चंदेश्वर, अच्छा ओशियार आ जाइए उधर से। तो ये तीनों, अच्छा एक और हैं, हरि बोल, क्या नाम है, बिंदेश्वर चौधरी। तो अच्छा है कि ये क्रांति और फैल रहा है, अभी तो कमेश्वर जी अकेले ही थे अपने टोला पर, लेकिन अब पांच लोगों का संग हो गया। हरि हरि। और मैं अक्सर निवेदन करता हूँ कि बीच बीच में जब भी फेस्टिवल्स होना तो भक्तों के संग में रहिए। आप सोचेंगे कि हम मोबाइल से कथा सुनकर या न आकर अपनी भक्ति को बढ़ा लूंगा, तो आचार्यों ने कहा है कि एकांत की भक्ति उत्पाते विकल बहुत दिन तक नहीं टिकेगा, इसलिए जब भी समय मिले तो वैष्णव के संग में आइए, यहाँ आकर बैठकर जप कीजिए और जब भी कथा हो तो जरूर समय से आइए सुनिए, ताकि हमारी रुचि प्रगाढ़ होती है, हम और आगे बढ़ते हैं, निष्ठा हमारी बढ़ती है और यही जीवन की सफलता है। तो इन चारों लोगों का नंबर भी कॉन्टेक्ट में रहना चाहिए और बीच बीच में हमें इन्फॉर्मेशन मिलना चाहिए कि नहीं स्थिति क्या है, कोई प्रश्न हो, जिज्ञासा हो तो पूछ सकते हैं, किसी भी प्रकार का डाउट हो। तभी भागवत जी की आरती होगी, श्याम
श्याम भाई पर जो लोग जप नहीं जाते हो, जो लोग जप नहीं कर रहे ना, आज से ही शुरू कर दीजिए। ये लोग बोल रहे थे कि कल से लेंगे, लेकिन हम बोले कि आज परम पवित्र दिन है, एकादशी है, कार्तिक महीना है, जागिए जागिए। माता जी लोग में सब लोग नहीं करते ना, अरे आज से लाइए, हो नहीं सकता है, शुरू हो जाइए। आरती गाओ भागवत जी की, जरूर जाकर के जप माला लीजिए। जो भी लेना चाहते हैं तो कल और परसों 7 तारीख तक का समय है, बीच में आप जब भी इच्छा हो तो आप ले सकते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण की आरती, अति पावन पुराण की, अति अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खाने की, धर्म भक्ति विज्ञान खाने की, महापुराण भागवत निर्मल, महापुराण भागवत निर्मल, सुख मुख विगलित निगम कल्प फल, सुख मुख विगलित निगम कल्प फल, परमानंद सुधार समय कल, परमानंद सुधार समय कल, लीलारति रस रस निधान की, लीलारति रस रस निधान की, आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की, मथनि त्रिपाप निवारिणी, कलिमल मथनि त्रिपाप निवारिणी, जन्म मृत्यु में भव भय हारिणी, जन्म मृत्यु में भव भय हारिणी, सेवत सतत सकल सुखकारिणी, सेवत सतत सकल सुखकारिणी, सुमहो सदि हरि चरित ज्ञान की, सुमहो सदि हरि चरित ज्ञान की, आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की, विषय विलास विमोह विनाशिनी, विषय विलास विमोह विनाशिनी, विमल विराग विवेक विकासिनी, विमल विराग विवेक विकासिनी, भागवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी, भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी, परम ज्योति परमात्म ज्ञान की, परम ज्योति परमात्म ज्ञान की, आरती अति पावन पुराण की, अति पावन पुराण की, परमहंस मुनि मन उल्लासिनी, परमहंस मुनि मन उल्लासिनी, रसिक हृदय रस रास विलासिनी, रसिक हृदय रस रास विलासिनी, मुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुधासिनी, मुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुधासिनी, कथा किंचन प्रिय सुजान की, कथा किंचन प्रिय सुजान की, आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे राम
श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। अनंत गुड़ी वैष्णव वृंद की।